नमस्ते मेरा नाम है अवधेश विद्यालंकार मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं टीचर सड्डा के यूट्यूब मंच पर क्षमा चाहूंगा आप लोगों को थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ा पर चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रखता हूं मैराथन हमारी आज की जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है वो एक लिंक कुछ गलती से चल गया था अभी आ, हम लोग ठीक है लाइव है और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रखता हूँ ये रहा ये प्रश्न पढ़िएगा और पढ़ करके आंसर कीजिएगा कीजिएगा आंसर कोई अध्यापिका छठी कक्षा की अपने छात्रों को लेखन कार्य देती है अध्यापिका जो है वो छठी कक्षा के बच्चों को लेखन कार्य देती है एक लेखनम कस्याम श्रेणिया गण्य थे इस तरह का लेखन कौन सी श्रेणी में गिना जाता है चतुर्ण समूहे विचारोत्तेजन कुरुत विचार विन्यासम कुरुत रूपरेखा सज्जीकुत तदा सुंदर लेखस्य प्रलेखम सज्जी सज्जीकुत यत्र पक्षे तथा द्वौ विपक्षे शिक्षा उसने जो है अपनी छठी अध्यापिका ने छठी कक्षा के अपने बच्चों को लेखन कार्य दिया है और लेखन कार्य जो है उसने देकर के कहा है चतुर्नाम समूहे विचारोत्तेजनम करो तो चार लोगों के समूहों में बैठ करके आप लोग विचार उत्तेजन करो विचार विमर्श करो विचार विन्यासम करो तो एक दूसरे के विचारों को सुनो रूपरेखा बनाओ फिर सुंदर हस्तलेख प्रलेख को ठीक से तैयार करो जहाँ दो पक्ष में तथा दो विपक्ष में होने चाहिए दो पक्ष में हो दो लोग विपक्ष में हो ऐसा होना चाहिए और विषय है कि छात्रों के लिए अंतरजालीय शिक्षा छात्रों के लिए इंटरनेट शिक्षा बढ़िया प्रश्न है अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से आ, आंसर करोगे तो आप लोगों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा मैं क्षमा चाहूंगा एक क्लास जो है वो गलती से चल गई थी तो अभी हम लोग ठीक प्रश्न को पढ़ करके आंसर करना बिना पढ़े आंसर मत करना दो लोगों को पक्ष में रहना है उसने लेखन कार्य दिया है बच्चों को चार लोगों के समूह में बांटा है पहले विचार उत्तेजन करना है एक दूसरे का साथ जो है वो विचार रखने हैं फिर विचारों का विन्यास करना है है ना जो एक दूसरे की बात है वो सब सुननी है फिर एक रूपरेखा बनानी है विचार विमर्श करके फिर एक सुंदर लेख का प्रलेख तैयार करना है और इस सब को करने में दो लोग पक्ष में हैं, दो लोग विपक्ष में हैं। टॉपिक है छात्रों के लिए इंटरनेट शिक्षा इंटरनेट शिक्षा पर बच्चों को बात करनी है दो लोग पक्ष में हैं दो लोग विपक्ष में हैं तो इस तरह के लेख को आप लोग क्या कहेंगे क्या ये वर्णनात्मक है क्या ये तर्कसंगत है क्या ये व्यक्तिगत है क्या ये आख्यानात्मक है बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने किया कि ये तर्क संगत लेखन है जब भी कोई लेखन में जो है वो पक्ष और विपक्ष दोनों लोग हैं तो ये जो है वो वाद विवाद कुछ हुआ और इसमें तर्क संगत लेखन कहा जाएगा इसको ठीक है चलो अगला प्रश्न बताओ मुझे आप लोग चल ध्यान से पढ़ करके शेर वेयर करके आ जाना आप लोग सब लोग आप लोगों को असुविधा हुई आज मैं क्षमा चाहूंगा आंसर सबने ठीक किया है बिल्कुल के प्राचीन संस्कृत भाषा नाम अध्ययन प्राचीन संस्कृत भाषा का अध्ययन जो है वो किस प्रकार से कहता है हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत जो है वो प्राचीन संस्कृत भाषा को जो भी भाषाएं हैं उनमें से किसी एक भाषा को आप लोग अतिरिक्त विकल्प के रूप में ले सकते हैं अतिरिक्त विकल्प के रूप में आप लोगों को ये पढ़ने के लिए अवसर दिया गया है ठीक है बताओ तीसरा प्रश्न बताओ मुझे थोड़ा सा लंबी क्लास चलेगी मैं जो आप लोगों को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करूंगा अभी पंद्रह मिनट खराब हुई है हमारी कोई पाठक समाचार पढ़ रहा है ठीक है समाचार पत्र पढ़ रहा है पहले दिन क्रिकेट प्रतियोगिता सूचनाम जियातुम इच्छती कल जो है जो क्रिकेट मैच हुआ है उसके बारे में पूरी की पूरी सूचना ग्रहण करना चाह रहा था किसने कितनी बॉल फेंकी किसने कितने रन बनाए किसने कितने विकेट लिए कौन कितने छक्के मार के गया है कौन कौन कितने चौके मार के गया है किस तरह का पठन कहलाएगा ये वाला आप लोग बताओ विहंगालोकन अभी अंग्रेजी नहीं लिखी हुई है और अंग्रेजी लिखी हुई नहीं थी पेपर में यहाँ पर इस वाले प्रश्न में स्कैनिंग कहलाएगा परिवीक्षण कहलाएगा ये वाली बात है ना जब भी किसी विषय को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है तो ये परिवीक्षण स्कैनिंग कहलाता है चलो ये बताओ मुझे आप लोग चौथा प्रश्न ध्यान से पढ़ के आंसर करते चलना है कोई अध्यापिका है छठी कक्षा के अपने छात्रों को एक लघु कथा पढ़ने को और उसमें वर्णित घटनाओं को विचारों को क्रम से लिखने को कहती है बताओ भाई क्या है ये अध्यापिका ने कहा कि पहले कहानी पढ़ लो कहानी पढ़ करके जो उसमें घटनाएं जो उसमें विचार आए हैं उनको फिर आपको आ, क्रम से लिखना है है ना पूरी कहानी नहीं लिखनी है उसमें से मुख्य मुख्य बातें ढूंढ करके लिखनी है तो ये क्या कहा कहलाएगा आप लोगों ने तो सबने बिना जल्दी में आंसर कर दिया भाई बी आंसर नहीं है इसका फिर सोचो चलो फिर सोचो बी आंसर नहीं है समीक्षा क्यों होगी समीक्षा भी नहीं है समीक्षा तब होती है जब आप उसके हर पक्ष पर विचार करते हैं ठीक लिखा गलत लिखा शैली कैसी लिखी ये वॉइस कम है एक बार सब लोग मुझे कमेंट करके बताओ आवाज कम है क्या आवाज ठीक है या नहीं है ये जो है उपपाठ निर्माण करना हुआ है जब भी आप लोगों को सारांश बनाना होता है उसमें से किसी एक पाठ का एक और छोटा पाठ बनाना पड़ता है तो इसे हम लोग जो है उपपाठ का निर्माण कहते हैं आप लोगों ने क्या किया देखो आपने सोचा कि घटनाओं को लिख रही है नहीं इसमें देखो क्या है कि के, केवल घटना नहीं लिख रही है उसने लघु कथा को पढ़ने को कहा उसमें वर्णित घटनाओं के साथ साथ जो विचार है मुख्य मुख्य सारी बातें लिखने को कहा उसने उसको जो है कंक्लूजन लिखने को कहा तो इसे उपपाठ निर्माण करना कहते हैं ठीक है अगला प्रश्न बताओ मुझे आप लोग आपका पेपर ऑफलाइन होगा ऑफलाइन होने से कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा सिर्फ ये फर्क पड़ेगा थोड़ा कम है आवाज स्लो है आवाज बढ़ा देते हैं कौन सी ऐसी विशेष बात है आवाज कम सप्तमी कक्षा या अध्यापिका जो है वो अपने ये तो बहुत आसान प्रश्न है पेपर ऑफलाइन होगा आप लोगों का ऑफलाइन होगा मतलब अब आपके सामने एक वो रहेगा पेपर रहेगा आवाज कम थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी सातवीं कक्षा की अध्यापिका अपने छात्रों को महीने भर के लिए दूरदर्शन की प्रस्तुति धारावाहिक तथा या फिर यथारुचि दृष्टुम कथयति दृष्टुम होना चाहिए सातवीं कक्षा के अध्यापिका अपने छात्रों को महीने भर दूरदर्शन की प्रस्तुति को धारावाहिक को देखने को कहती है, है। तत्पश्चात सा कथाखंड संक्षेप लेखी तुम कथियती फिर वो जो है उसमें जो कथाएं उन्होंने सुनी है उनको फिर लिखने को कहती है ये क्रिया क्या कहलाती है ये क्रिया क्या, क्या कहलाती है ध्यान से प्रश्न को समझना अध्यापिका ने कहा कि एक महीने भर के लिए तुम्हें जो है दूरदर्शन को देखो टीवी देखो जो भी तुम्हें टीवी पे दिखाई दे अपनी मर्जी से देखो और उसके बाद कहा कि फिर उसमें जो कथानक या कोई घटनाएं तुम्हें दिखाई देंगी उनको लिख के लाना है सबको ठीक है लिख के लाना है ये कहा है तो ये क्या कहलाएगा बच्चे कह देगा मैं थोड़ी ठीक है भाई ये समूह कार्य तो है नहीं संचार माध्यम से अध्ययन संचार माध्यम का अध्ययन भी नहीं है ये वाला अब ये प्रोजेक्ट वर्क है या फिर दिया गया कार्य है सी आंसर क्यों कर रहे थे आप लोग संचार माध्यम का अध्ययन अरे नहीं भाई आप लोगों को प्रोजेक्ट दे देते हैं कुछ भी प्रोजेक्ट दिया है अध्यापिका ने ये प्रोजेक्ट वर्क है ये वाला प्रोजेक्ट वर्क में क्या होता है अध्यापक आपको जो है कुछ विशेष जैसे क्या होता है कि कभी कभी ऐसा कह देते हैं कि चलो आप लोगों को आसपास के जितने भी लोग हैं तुम्हारे मोहल्ले के लोग हैं उनसे बात करो उनसे पूछो उन्होंने कितनी पढ़ाई की है फिर उसका आप लोगों को सारा का सारा विवरण लिखना होता है प्रोजेक्ट वर्क है ये वाला तो उसने यही कहा कि दूरदर्शन को देखो अपनी इच्छा से और फिर जो उसमें कथा तुमने जो भी कथाएं सुनी होंगी कहानियां सुनी हैं और अब अब अपनी इच्छा से उनको देखो और जो कहानियां सुनिए उनको फिर लिख करके लेकर के आना ऐसा का प्रोजेक्ट वर्क है ये वाला कॉम्प्रिहेंशन बोध परिच्छेद से पठनम की मस्ती बताओ भाई श्रद्धा क्या पूछ लिया क्या बताना है कॉम्प्रिहेंसन जो है वो क्या है आप लोगों को पेपर में गद्यांश आता है उस गद्यांश से आपको कुछ प्रश्नों को ठीक करना होता है ये कॉम्प्रीहेंशन है शब्दानाम वाक्या वाकया नाम उद्वाचनम तथा लेखस्य दृष्टिकोण ज्ञानम कॉम्प्रिहेंशन का जो है ये मतलब नहीं होता शुद्ध उच्चारण से तथा ध्वनि भी ही शब्द निर्माण अर्थम उच्च स्वरेण पठनम क्या कैसे कैसे आंसर कर रहे हो सी आंसर क्यों कर रहे हो आप मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है ये सी आंसर क्यों क्या सोच के किया आप लोगों ने भाई कॉम्प्रीएंसन का कॉम्प्रीएंसन पढ़ने का मतलब क्या है कॉम्प्रीएंसन आप लोगों के पेपर में जो है वो जो गद्यांश आएगा बीस अगस्त का एग्जाम होगा और ऑफलाइन होगा आप लोगों को नोटिफिकेशन आ गया था वीडियोस वगैरह सब हो गई है आवाज बहुत कम है आप ऐसा क्यों कह रहे हैं और बहुत सारे लोग कह रहे हैं हमने चेक किया यहाँ पर आवाज ठीक है अभी रुको अभी थोड़ा सा करते हैं इस पे बातचीत बताओ एक बार आप लोग जो है बताओ एक बार आप लोग जो है देखो भाई मैं अपने फोन में चेक कर रहा हूँ आवाज बिल्कुल ठीक है देखो भाई मैं अपने फोन में चेक कर रहा हूँ आवाज बिल्कुल ठीक है देखो भाई मैं अपने फोन में चेक कर आवाज कम नहीं है पर आपको ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा आवाज ठीक है आपको ऐसा लग रहा है जो है आप लोगों के पास जो गद्यांश आता है गद्यांश पढ़ करके आप लोगों को उसे समझना होता है तो यहाँ जो है ये वाला आप लोगों ने क्यों किया इसको पढ़कर इसको सुन करके तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो है वो हिल गए हैं बिल्कुल ही हिल गए हैं बी ऑप्शन है इसका अर्थ निष्कर्ष योग्यताया प्रयोगम कृत्वा अर्थबोध प्रक्रिया आप लोगों को जो गद्यांश दिया जाता है उसे पढ़ करके कुछ निष्कर्ष निकाल करके उससे अर्थबोध करना होता है समझना होता है कि क्या कहा गया है इसमें ठीक है बी ऑप्शन हो जाएगा इसका बाकी ये वाला आप लोगों ने पता नहीं क्यों किया आंसर चलो अगला प्रश्न बताओ मुझे सातवां प्रश्न ये कॉम्प्रीहेंशन वाला प्रश्न आएगा निश्चित रूप से नहीं क्लास को तो खैर कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है हो सकता है उन्हें समस्या हो रही हो आवाज़ में पर मैंने टीम से भी चेक कराया फ़ोन में चेक किया आवाज़ ठीक है हिमानी मैम की तरह आवाज ठीक रखा हिमानी मैम जो है ना भाई वो थोड़ा सा ज्यादा खाना पीना खाती होंगी हाँ बढ़िया आंसर किया आप लोगों ने आप लोगों ने कहा कि कोई अध्यापिका अपनी कक्षा में कुछ ये क्रियाएं करती है कोई लघु पाठ दो पृथक खंडों में विभाज बांट देती है एक चैप्टर को दो खंडों में बांट दिया प्रत्येक एकांतरित वाक्यम युगलाय दियते ठीक है एक वाक्य ये बोलेगा एक वाक्य ये बोलेगा युगल को ऐसा दे देते हैं प्रत्येकम छात्र अपरम छात्रम लेखयती एक सेंटेंस एक बोलेगा एक सेंटेंस दूसरा बोलेगा ये बोलेगा ये लिखेगा फिर ये बोलेगा फिर ये लिखेगा

प्रथमा भाषा बालक प्रयास अधिगृहणी अधिगृहणाती नहीं भाई प्रथमा भाषा को बिना प्रयास के ग्रहण करता है प्रथमा भाषा स्वाभाविक प्रक्रिया द्वारा अधिगृहते ये बात ठीक है विद्यालय अधिगृह थे विद्यालय में तो दूसरी भाषा सीखी जाती है चलो प्रथमा भाषा आपकी मातृभाषा सी ऑप्शन ठीक है नौवा प्रश्न बताओ मुझे आप लोग ज्ञान निर्माता कहता है ये प्रश्न मैंने आप लोगों को कराया हुआ है आसान प्रश्न है दो हजार पाँच जो है वो ये कहता है कि बच्चे ज्ञान निर्माता हैं ज्ञान निर्माता कैसे हैं बच्चे तो इसके विषय में प्रश्न पूछा है छात्रा अध्यापके भी ज्ञानम गृहित नवीन ज्ञानम निर्माणती अध्यापक के से ज्ञान ग्रहण करके नया ज्ञान निर्मित करते हैं ज्ञान निर्माण करने के लिए अध्यापकों के साथ कार्य करते हैं छात्र निर्मित सिद्धांतों से ज्ञान प्राप्त करते हैं ज्ञान और कथा को प्रमाणित करते हैं

क्योंकि जो प्रश्न है अभी तक मैं करा रहा था जो 2023 वाले प्रश्न है वो अपेक्षाकृत सरल है तो हम लोग सरल सरल प्रश्नों को पढ़ करके उनका आंसर करके खुश हो जाएं। इससे अच्छा ये है है कि दोनों चीजों को पढ़ा जाए ना थोड़ा सा प्रश्न को घूम जो जिनको घुमा फिरा के पूछा हुआ है उन पर भी आप लोगों को विचार करना चाहिए है ना क्योंकि पेपर में कोई एक शिफ्ट सरल भी हो जाती है कोई एक शिफ्ट कठिन भी हो जाती है अब आपको क्या शिफ्ट मिल जाए ये तो नहीं पता ना तो ये कह रहे हैं कि लघु कथाओं का आख्यानों का एक संकलन बहुत आसान प्रश्न एक एक है भाषा शिक्षणार्थम पूरक निर्धारित कुछ आख्यान है कुछ कथाएं हैं। तो ये इसका मुख्य प्रयोजन क्या था कथाओं का मुख्य प्रयोजन होता है बच्चे की सघन पठन की समृद्धि करना गहराई से पढ़ना सिखाना बच्चे को बाकी और कोई उस, उसका उपाय नहीं है और कोई प्रयोजन नहीं है वैसे कथाओं का जो मुख्य प्रयोजन होता है बच्चे की कल्पना शक्ति का विकास करना पर आपके सिलेबस में एक किताब लगाई गई है तो वो आपके इसलिए लगाई है कि आपका पढ़ने की समृद्धि हो गहराई से पढ़ने की आदत बने आप लोगों की दसवां प्रश्न बताओ मुझे ये ग्यारहवा प्रश्न बताओ चलो ये प्रश्न कहता है कि भाषा शिक्षण संदर्भ में एक कौन सा कथन सही है ये ध्यान करते है, फिर ऑप्शन चुनने है आप लोगों को पहले तो कथन पढ़ लेते हैं ये चार कथन हैं इनमें से आप लोगों को सही गलत तो आंसर करना है बाद में एक कथन है कि भाषा अध्ययन से सच छात्र पठित पाठक से सर्व शब्दा अर्थम सम्यक भाषा अध्ययन करते हुए छात्र जो है पढ़े हुए पाठ के सारे शब्दों को सारे शब्दों के अर्थ को ठीक से ग्रहण करता है भाषा पढ़ रहा छात्र आप भाषा को पढ़ रहे हो तो पढ़ के अर्थों को ठीक ग्रहण करने का प्रयास करते हो एक बात भाषा अध्ययन से सच छात्री वो पढ़े हुए पाठ के अर्थ को ठीक से ग्रहण करता है निहितान विचारान अपनी गृहणाती वो पाठ में आए विचारों को भी ग्रहण करता है भाषा अध्ययन से सच छात्र भाषा या सर्वान नियमान जानाती बच्चा जो है सारे नियम जानता तो घर रहता विद्यालय क्यों आता वो भाषा के सर्वो सारे नियमों को जानना नहीं चाहता है ऐसा भी नहीं है ग और भी है वो गलत हटा दो ये रहा ग घ ये रहा घ ये, ये रहा ख ग तो पहला और दूसरा ऑप्शन जो है वो ठीक है कि वो सारे शब्दों के अर्थों को ठीक से ग्रहण करता है, है ना और उसके बाद जो पाठ में आए हुए विचार है आप कोई पाठ पढ़ोगे उसमें जो बात विचार आया हुआ है जो बात कही गई है उसे भी तो ग्रहण करोगे ना है ना तो ये एक ऑप्शन ठीक हुआ बारहवा प्रश्न आगमन निगमन विधियां जो है आप लोगों को व्याकरण की बहुत आसान है बताओ भाई सामान्य से विशेष के प्रति जाने को या फिर नियम से उदाहरण के प्रति जाने को क्या कहते हैं आसान प्रश्न है आज हमारी कक्षा में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई आप लोग शेयर करके आ जाओ थोड़ा सा देख लो सामान्य से विशेष के प्रति जाना है सामान्य किसे कहते हैं और विशेष किसे कहते हैं नियम से उदाहरण के प्रति जाने को हम लोग कहते हैं जी आंसर आपने सबने किया निगमन विधि कहते हैं ठीक बात है सामान्य मैंने जो सबके विषय में बात करता हो वो बात सामान्य है और विशेष मतलब जो एक उदाहरण उदाहरण एक उदाहरण एक उदाहरण एक उदाहरण इंडिविजुअल की जो बात करता है उसे विशेष कहते हैं तो जब हम अलग 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 अलग, अलग उदाहरण देते हैं ये विशेष बात है और जब इन सबको इकट्ठा करके एक नियम बना देते हैं तो ये सामान्य बात है तो जब सामान्य से विशेष के प्रति जाएंगे हम लोग तो विशेष के प्रति जाने को हम लोग क्या कहेंगे निगमन विधि आगमन विधि या निगमन विधि या भाषा संसर्ग विधि या क्या बताओ स्थूल से सूक्ष्म के प्रति जाने की विधि क्या है स्थूल से सूक्ष्म के प्रति जाने की विधि क्या है वीडियो रुक रहा है क्या ठीक बताए आगमन विधि है ये वाली अगला प्रश्न बताओ मुझे सूत्र विधि किससे संबद्ध है स्पीड में आंसर करना दस का टाइम दूंगा साहित्य नाटक व्याकरण सबको सब पता है कि भाई व्याकरण की सूत्र सूत्र विधि है तो व्याकरण में होते हैं भाषा का अधिग्रहण किसके संदर्भ में होता है ये भी प्रश्न बहुत आसान है विदेशी भाषा के संदर्भ में नहीं होता मातृभाषा के संदर्भ में होता है पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन ठीक है पहला तो गलत है पंद्रवे का जो है वो दूसरा ऑप्शन ठीक है सोलवा प्रश्न बताओ टीका विधि क्या होती है टीका विधि बहुत टीका टिप्पणी करता है तू तो ऐसे बोल देते ना किसी को टीका का मतलब क्या है करो भाई आंसर आप लोग छात्रों का शास्त्रीय ज्ञान बढ़ाता है अच्छा नहीं है नेगेटिव पूछा है भाई टीका विधि का गुण नहीं है छात्रों के शास्त्रीय ज्ञान को बढ़ाता है सम्यक शास्त्र ज्ञानम भवती टीका विधि में क्या होता है कि मान लिया आप लोगों ने एक श्लोक पढ़ा उस श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ करना उसके उसमें आए हुए हर शब्द पे कोश को लिखना बहुत सारी चीजें जो है वो टीका विधि में आती है तो यहाँ शास्त्रीय ज्ञान बढ़ाता ही है शास्त्रों से उदाहरण भी दिए जाते हैं इसमें तो ये ये तो पॉजिटिव है ढूंढना है नेगेटिव छात्रों का शब्द भंडार बढ़ता है भाई बिल्कुल बढ़ता है एक एक शब्द के कई सारे पर्यायवाची देखने को मिलते हैं दुर्बोध शब्दा व्याख्या पूर्ण रूपेण रूपेणीवंती टीकाकार जो है वो दुर्बोध शब्दों का व्या, व्या, करते ही है छंद पठन से अभ्यास नहीं भाई छंद के अनुसार श्लोक पढ़ने का अभ्यास नहीं होता है टीका विधि में टीका विधि का ये काम नहीं है कि आप लोगों को श्लोक पढ़ना सिखा दे टीका विधि का ये कि श्लोक में आए हुए शब्दों का अर्थ बता दे इतना मात्र ये बताओ भाषा पाठ्यक्रम में क्या होता है बोलो शीघ्रता से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कोई भी भाषा का पाठ्यक्रम जब हम बनाते हैं तो उसमें क्या चीजें रखते हैं हम उसमें भाषा पाठ्यक्रम में अध्ययन सामग्री और मूल्यांकन रखते हैं हम उसमें भाषा के अध्यापन और, और शिक्षण के लिए कुछ उद्देश्य रखते हैं बी आप ऑप्शन कर रहे हैं ज़्यादातर लोग और सभी बी कर रहे हैं ठीक बात है भाषा अध्यापन के जो है ना शिक्षण के कुछ उद्देश्य होते हैं आप लोगों का पाठ्यक्रम जब भी बनाते हैं तो उसके कुछ उद्देश्य होते हैं उसके उन उद्देश्यों को ठीक करने के लिए बताने के लिए फिर उपकरण होते हैं उन उपकरणों को प्रयोग करके जो विधियों का प्रयोग करते हैं विषय का फिर मूल्यांकन बाद में करते हैं दूसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा मुझे आप लोग उच्च पठनम कथा श्रावणम साक्षात्कार संभाषणम ये किसके उदाहरण है जोर से पढ़ना कहानी सुनाना साक्षात्कार लेना और फिर बातचीत करना किसके उदाहरण है क्लास कितने बजे तक चलेगी क्लास तो देवी जी चलेगी अभी क्लास तो साढ़े बारह बजे तक चलाएंगे एक बजे तक भी चला देंगे जोर से पढ़ना कथा सुनाना साक्षात्कार लेना ये सब जो है प्रगाढ़ श्रवण के उदाहरण है ध्यान से सुनने के उदाहरण है ये वाले कोई कहानी सुना रहा है प्रगाढ़ में ना गहराई से समझ सुनना गहराई से पढ़ना गहराई से सुनना साक्षात्कार ले रहे हो वो प्रश्न पूछ रहा है दूसरा उत्तर दे रहा है दोनों एक दूसरे को ध्यान से सुनते हैं संभाषण कर कर रहे हो, कर रहे हो हो बातचीत तो ये विस्तृत श्रवण नहीं भाई प्रगाढ़ श्रवण के उदाहरण है प्रगाढ़ श्रवण का मतलब होता है गहराई से सुनना ध्यान से सुनना बिना ध्यान से सुने आप किसी का इंटरव्यू नहीं ले सकते बिना ध्यान से सुने दो लोग आपस में बात नहीं कर सकते एक व्यक्ति बोल रहा है दूसरा सुनेगा नहीं उसकी बात तो कैसे आंसर कर रहे हो आप लोग जो है पढ़े निगमन विधि का गुण नहीं है पूछा है मतलब एक दोष है का, वो यहां बताना है आपको और बीस सेकेंड से ज्यादा समय में दूंगा नहीं आपको इसमें वाला प्रश्न सरल है पैराग्राफ कब कराएंगे आप लोग दस वाली क्लास में जुड़ते हो डेली यह मनो मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है है ना निगमन विधि में नियम पढ़ा करके फिर उदाहरण देते हैं बच्चा इसमें थोड़ा बोर होता है साइकोलॉजिकली थोड़ा सा ये बच्चे को रट रटने की तरफ ले जाता है तो मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है ये दोष है बाकी आप लोगों को सब इसमें ठीक दिख ही रहा है बीसवा प्रश्न बताओ कुछ नए प्रश्न भी रखे हैं मैंने बीच बीच में रखे हैं पर यह प्रश्न कुछ जो है वो पुराने रखे हैं और उनमें से बीच बीच में कुछ नए प्रश्न भी डाले हैं जो अभी आप लोगों को इस वर्ष हुए हैं बीस का ए आंसर आ रहा है ये और भाई डी आंसर भी कर रहा है कोई कोई ठीक है नहीं पता वाला कोई मुझे नहीं लिखा देखो कह रहे हैं कि स्वाभाविक रूप से बहुभाषिका नाम भारतीय नाम कक्षा या उपयोग संसाधन रूपेण करणीय बहुभाषिक कक्षाएं जो है ना हम लोग आपकी बहुभाषिक कक्षाएं क्यों लगाते हैं एक कक्षा में जो है वो बच्चे की बहुभाषिकता का मतलब क्या है बहुभाषिकता का मतलब ये है एक क्लास में हिंदी बोलने वाला बच्चा भी है तमिल वाला भी है तेलुगु बोलने वाला भी है उड़िया बोलने वाला भी है केंद्रीय विद्यालय की कक्षा ऐसी ही होती है तो वहाँ बच्चे को बच्चे की मातृभाषा में बोलने का अवसर दिया जाता है इससे क्या फायदा होगा तो ये जो हम लोग बच्चे की ये भी बहुभाषिकता है।, है ना बच्चे की मातृभाषा पर आधारित अन्य भाषाएं भी बर... भाई जो हिंदी वाला बच्चा है वो तेलुगू को सुन रहा होगा तेलुगू वाला हिंदी को सुन रहा होगा तो बच्चे बहुत सारी भाषाओं को या वहां की संस्कृति को सीख जाते हैं ये लाभ होता है उसका है ना तो ये पूछा है कि हम लोग हमने ये किया क्यों बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में हम तेलुगू में बोलने का अवसर क्यों दे रहे हैं इसलिए दे रहे हैं कि बच्चे जो हैं फिर वो विविधता से अभिव्यक्ति कर पाएंगे नहीं भाई रुको बहुभाषा कौशल अधिगछित बहुत सारे भाषाओं का कौशल सीख जाएगा बच्चा विभिन्न भाषा अधिगछित विभिन्न भाषाएं सीख जाए बच्चा सुरक्षित स्वीकृत अनुभवित सुरक्षित और स्वीकृत अनुभव करे विविधता से अभिव्यक्त करे अब बताओ आप लोगों ने आंसर क्या किया मुझे तो सारे ऑप्शन ठीक लग रहे हैं लेकिन बेस्ट चुनना है मैंने डी का ऑप्शन कर दिया तो आप लोग डी करोगे इसमें प्रश्न आप लोगों को परेशान करने वाला है अगर ध्यान से नहीं समझा भाई इसका और अर्थ हम लोग जो हैं बहुभाषिक कक्षाओं को भारतीय कक्षा का उपयोग संसाधन रूप में इसलिए करते हैं के बच्चा जो है सुरक्षित और स्वीकृत अनुभव करे ठीक है विविधता से अभिव्यक्त करे अलग अलग तरह से अभिव्यक्त करे यह उत्तर नहीं है बच्चा को बहुभाषिक कक्षा में बहुभाषिक कक्षा में मतलब ये है जो बच्चा तेलुगु में आंसर कर रहा है हम उसे तेलुगु में आंसर करने का अवसर दे रहे हैं क्यों दे रहे हैं इसलिए दे रहे हैं कि वो बच्चा जो है वो सुरक्षित अनुभव करे अपने आप को उसकी बात को समाज में सुना जाए बहुभाषिक कक्षाओं से बच्चा बहुत सारी भाषाओं को सीखता भी है और देखो बाकी सारे ऑप्शन आप लोगों को एक जैसे दिखाई देंगे ये ठीक है चलो अगला प्रश्न बताओ मुझे आप लोग इक्कीसवां आज तो बहुत गलत हो रहा है आज के प्रश्न आप लोगों को थोड़ा सा आ, परेशान करने वाले हैं भी मैंने जानबूझ के ऐसे प्रश्न रखे हैं जो प्रश्न में बहुत दिन से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को सरल प्रश्न लग रहे हैं मुझे वो मैंने हटाए भी हैं या जो कुछ सरल प्रश्न भी हैं लेकिन मैंने बहुत दिन से नहीं पढ़ाए आप लोगों को वो भी रखे हैं पूछा है कि कौन सा पढ़ने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है पढ़ने के लिए कौन सा कथन जो है वो सबसे ठीक है पढ़ना जो है वो संकेतों का डिकोडिंग मात्र होता है पढ़ना जो है वो पाठ्यपुस्तक पुस्तक का शुद्ध उच्चारण है पढ़ना जो है पाठ्यपुस्तक पुस्तक का अवबोध है जब भी पढ़ने की बात होगी पढ़ने का मतलब हमेशा अवबोध होगा ठीक है जी सी आंसर होगा सी आंसर देख लिया था आप लोगों ने वो गलती से मेरे से हो गया तो आप लोग जो है वो आपने देख लिया वो बताओ आप लोग संख्या नहीं बढ़ाएंगे क्या आज की हमारी कक्षा का, का जो है ना सत्यानाश हो गया वैसे निम्न में से कौन सा व्यापक अध्ययन की विधा नहीं है जब भी आप लोग अपने सिलेबस से बाहर की चीजों को पढ़ते हैं आप न्यूज पेपर पढ़ रहे है और व्यापक अध्ययन ना देखो सिलेबस तो ऐसा होता है जबरदस्त से भी पढ़ना पड़ेगा लेकिन बच्चा व्यापक अध्ययन करता है अपनी मर्जी से है ना मान लिया आप लोगों को न्यूज पेपर पढ़ना है तो बच्चा क्या करेगा चलो अब उसकी इच्छा हुई न्यूज पेपर पढ़ने की इसलिए पढ़ेगा बच्चे को जो है कोई मैगजीन मिल गई चंपक मिल गई वो पढ़ेगा उसको अपनी इच्छा से पढ़ेगा तो पूछा है व्यापक अध्ययन की विधा नहीं है निगेटिव पूछा है बच्चा जब भी कोई मैगजीन पढ़ेगा समाचार पत्र पढ़ेगा मौन अध्ययन से करता है ये पॉजिटिव है क्रम स्कैनिंग जो है उससे भी बच्चा जो है ध्यान से वही कहा कथा पढ़ेगा कहानी पढ़ेगा ध्यान से ही पढ़ेगा क्रम जो है व्यापक अध्ययन का विधा है विहंगम दृष्टिपात कभी कभी हम लोग जो है ना अपनी इच्छा से आप लोगों को ऐसा हुआ कि ऐसा करते हैं फटाफट से जो है वो क्रिकेट का ये देख लेते हैं कि जहीर खान ने कितनी बॉल डाली थी और कितने विकेट लिए मैन ऑफ द मैच कौन रहा कभी कभी ऐसा होता है ना कि क्रिकेट देखने वाले लोग सीधा यही देखते हैं कि मैन ऑफ द मैच कौन रहा कुछ भी नहीं देखेगा वो सरसरी निगाह से सीधा मैन ऑफ द मैच वाला जो कॉलम होगा उसको आएगा तो दृष्टिपात भी जो है है वो व्यापक अध्ययन की विधा है। समवेत पठनम समवेत मैंने साथ में पढ़ना ये व्यापक अध्ययन की विधा नहीं है क्लास में बैठ करके साथ में पढ़ते हो आप लोग लेकिन अब आप लोग जो है न्यूज़पेपर को या कोई कहानी को या कोई मैगजीन को साथ बैठ करके नहीं करते हैं समवेत अध्ययन सी आंसर हो जाएगा इसका स्वच्छंद लेखनम लेखक लेखक सहायक स्वच्छंद लेखन जो है वो लेखकों के लिए सहायक है क्योंकि बताओ स्वच्छंद लेखन जो है वो लेख स्वच्छंद लेखन का मतलब क्या हो अपनी मर्जी से लिखना मान लिया आप लोग जो हैं वो कवि बन जाओ और अपनी मर्जी से जब लिखोगे इसे स्वच्छंद लेखन कहते हैं तो ये लेखकों के लिए सहायक क्यों है ये संपादने सहायक मस्ती ये एडिटिंग करने में सहायक है ये लेखक लेख लिखने के लिए विचारों को उत्प, उत्पन्न करता है ये पाठ्यपुस्तक का अंतिम स्वरूप निर्धारण में सहायक होता है पाठ्य पुस्तक के अंतिम स्वरूप को निर्धारण करने में सहायक होता है ये त्रुटियों को ठीक करने में सहायक होता है बताओ भाई एक ही आंसर आप लोगों को देख के अलग लग रहा होगा बाकी तो इसमें जो है ना बेवकूफ बनाने वाले आंसर है स्वच्छंद लेखन लेखकों के लिए सहायक इसलिए होता है कि उनके मन में जो भी विचार है उनको उनको बाहर निकालता है वो आप लोगों को डायरी लिखते हैं ना डायरी डायरी को लिखना स्वच्छंद लेखन कहलाता है भाई डायरी आप लोग जो है अगर आपको एक निबंध लिखना है निबंध में अपनी मर्जी से तो नहीं लिख सकते गाय के अठारह पैर होते हैं गाय के छब्बीस कान होते हैं ऐसे थोड़ी लिख दोगे अपनी मर्जी से तो वहां आप लोगों को लिखना पड़ेगा बंद करके पर आप अपनी कॉपी में लिखो मैंने आज अपने सपने में एक गाय देखी उसके अट्ठारह कान थे और उसके अट्ठारह पैर थे छब्बीस कान थे चौबीस पूछ थी ठीक है इस तरह से कुछ भी बना करके आप लोग जो है अपनी कल्पनाओं को जब लिखते हो ये स्वच्छंद लेखन कहलाता है और आपके मन में जो भी विचार हैं उनको ये बाहर निकालता है तेईसवें प्रश्न का बी आंसर हो जाएगा चौबीसवें प्रश्न पर आ जाओ किसने देखे हैं गाय के छब्बीस कान गाय को क्या बना दिया सर क्या है ना मुझे वो एकदम जब भी कभी कोई आसान उदाहरण समझाना हो तो गाय पे निबंध लिखना एकदम दिमाग में आता है हम लोगों को क्या है ना बहुत सारी चीजें पढ़ाते पढ़ाते जो कोई दो चार उदाहरण ऐसे होते हैं जो ज्यादा जुबान पर चढ़ जाते हैं तो वही आता है तो गाय का उदाहरण मैं इसलिए देता हूं गाय हर व्यक्ति ने देखी होती है डायनासोर तो किसी ने भी नहीं देखा हमें से तो डायनासोर का उदाहरण देखे क्या बात बनेगी लेखन प्रक्रिया में क्या मानसिक प्रारूप निर्धारण आय सुव्यवस्थिता भवितुम शक्नोती लिखने की प्रक्रिया कर रहे हैं हम लोग है ना लिखना शुरू कर रहे हैं तो लिखते जब हम लोग लिखने लगते हैं कोई आप लोगों को एक कहानी लिखनी है कहानी लिखने में जो है मानसिक प्रारूप निर्धारण आपके मन में कहानी सबसे पहले बनेगी तभी लिखना शुरू करोगे ना तो मानसिक प्रारूप आपके मन में जो आपका एक कहानी का स्वरूप बन जाता है कि आपने जो है वो अट्ठारह पैर वाली गाय देखी छब्बीस पैर वाला कान देखा छब्बीस कान वाली गाय देखी तो ऐसे आप लोग जो है एक मानसिक प्रारूप निर्धारण करते हो तो ये किस स्थिति में होता है ये बताओ समीक्षा करते टाइम होता है प्रारूप लिखते टाइम होता है पूर्व लेखन में होता है अंतिम स्वरूप निर्धारण में होता है मन में जो है ना लिखने से पहले कहानी बनती है कहानी पेपर में आने से पहले जो है वो मन में बन जाती है पूर्व लेखन कहलाएगा ये तो ये मानसिक प्रारूप निर्धारण के लिए सबसे बढ़िया पद्धति जो है वो पूर्व लेखन है लिखने से पहले कहानी मन में बनेगी तभी पेपर में आएगी ये भाई आप लोग जो है थोड़ा सा प्रश्न अगर आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो भाषा को इधर उधर करके पूछ लिया तो गलत करना है ऐसा नहीं करो भाई पढ़कर के, के सारे प्रश्न टेढ़े रखे हैं आज टेढ़े या फिर जो मैंने कई दिन से नहीं पढ़ाई वो आज की मैराथन जो है ना पिछली मैराथन का पार्ट टू है जो पिछली मैराथन संडे को की थी मैंने आज से सात दिन पहले छह दिन पहले उसी मैराथन का पार्ट है उसमें वो प्रश्न जो आप लोगों को पढ़कर के बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं उसके बाद इसमें वो वाले प्रश्न है जो आप लोगों को थोड़ा सा घुमा के पूछे गए हैं दोनों मैराथन को जोड़ के तैयारी करना बहुत लाभ होगा आप लोगों को पच्चीसवा प्रश्न बताओ मुझे आप लोग पच्चीसवा प्रश्न कहता है एक भाषा अध्यापिका कक्षा में छात्रों के जीवन की यथार्थ परिस्थितियों का प्रयोग करती है ठीक है बच्चे को डेली लाइफ में क्या हो रहा है उनका सबका प्रयोग करती है और उनको लक्ष्य भाषा को बोलने के लिए प्रेरित करती है वो क्या कर रही है बोलने की बात जब भी होगी तो आप लोग आंसर कर ही दोगे है ना बोलने की जब भी बात होती है इसे संप्रेषणात्मक अप्रोच कहते हैं बच्चे को बोलने के लिए प्रेरित कर रही है वो ए ऑप्शन हो जाएगा आसान प्रश्न था छब्बीस प्रश्नवा छब्बीसवा प्रश्न बताओ व्याख्या विधि का गुण नहीं है बहुत आसान प्रश्न है व्याख्या विधि जैसे मैं आप लोगों को कोई टॉपिक पढ़ाऊं और उसकी फिर व्याख्या करता चलूं तो व्याख्या विधि का दोष पूछा है गुण नहीं पूछा गुण क्या नहीं है निगेटिव पूछा है तो तीन गुण एक दोष है इससे पाठ्यक्रम आसानी से पूर्ण हो जाता है आप लोगों को व्याख्यान जब भी करते हैं मान लिया आप लोगों को से पढ़ाओ और व्याख्या कर दो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए तो सब पाठ्यक्रम सरलता से हो, पूरा होता है एक ऑप्शन ठीक है अधिक छात्र लाभान्वित होते हैं बिठा लो हजार लोग बिठा लो चाहे पंद्रह सौ लोग बिठा लो मैं अकेला बोल रहा हूँ आप लोग जो है बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हो तो बहुत सारे छात्र जो है लाभान्वित होते हैं लेकिन बच्चे निष्क्रिय हो जाते हैं मतलब मैं मैं बोल रहा हूं आप लोग जो है वो बैठ करके व्याख्या विधि का ये नुकसान है बच्चे निष्क्रिय हो जाते हैं है ना अगला प्रश्न बताओ मुझे व्याकरण अनुवाद विधि क्या नहीं करती है आप लोगों को मन नहीं लग रहा क्या पढ़ने में आज मुझे ऐसा लग रहा है संस्कृत शिवानी संस्कृत विद अवधेश विधि अलंकार आप जो हैं मुझे संस्कृत विद अवधेश विद्यालंकार ढूंढ सकते हैं इस नाम से अनुवाद प्रविधि क्या नहीं करती है आसान प्रश्न है भाई व्याकरण अनुवाद करोगे एक हिंदी वाला सेंटेंस को अंग्रेजी में कन्वर्ट करोगे तो मातृभाषा शिक्षण में उत्साहवर्धन होगा बिल्कुल होगा अपनी भाषा पढ़ोगे अपनी भाषा से दूसरी भाषा में पढ़ रहे हो व्याकरण को महत्व मिलेगा ही छात्रों का संवाद कौशल नहीं बढ़ेगा बच्चे जो हैं उसमें व्याकरण अनुप से अनुवाद कर रहे हैं तो बच्चे आपस में बातचीत नहीं करेंगे है ना ये बताओ अट्ठाइसवा प्रश्न नॉम चोम्सकी ने जो है वो क्या कहा है नोम चॉम्सकी ने क्या कहा है ये बताओ आज मुझे भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कक्षा जो है वो सरस बंद करें क्या कक्षा मतलब ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को आनंद नहीं आ रहा है पढ़ने में ऐसा हो सकता है मेरी तरफ से कुछ कमी हो वीडियो का तो खैर गड़बड़ हो ही गया था शुरू में आसान प्रश्न सबने आंसर कर ही दिया मुझे इससे कुछ कहने की जरूरत है ही नहीं नैसर्गिक सामर्थ्य की बात की गई है उनतीसवा प्रश्न बताओ मुझे क्लास पढ़ोगे बंद करें बताओ पढ़ना है है आगे या बंद करना है, मुझे बताओ थोड़ा सा सुस्ती सी लग रही है क्लास में मेरी तरफ से है या आप लोगों की तरफ से है पढ़ेंगे चलो पढ़ेंगे तो अगर एक भी पढ़ेगा तो मैं पढ़ाऊंगा ही खैर फिर तो लेखन शिक्षण में बच्चों का स्वच्छंद आरेखन एक महत्वपूर्ण चरण है <laughs> आपकी तरफ से संवाद का मतलब क्या होता है संवाद संवाद का मतलब होता है बातचीत करना एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है संवाद कहते हैं इसको लेखन शिक्षण <laughs> आप एक कमेंट पढ़ के अच्छा लगता है एक कह रहा है कि आप पढ़ाना नहीं चाहते हो ठीक है चलो पढ़ाते हैं भाई लेखन शिक्षण में बच्चों का स्वच्छंद आरेखन एक महत्वपूर्ण चरण है यतः तदा स्वच्छंद आरेखन समझते हो बच्चा कॉपी पेन उठाए और दिवा, को पेन भी ना कॉपी भी ना उठाए ये पेन पकड़े और दीवार पर जो है वो यूं 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 यू करना शुरू कर दे यूं करना शुरू कर दे तो बच्चा जो है ना वो जैसे ही वो पेन पकड़ता है तो वो कुछ ना कुछ निर्माण करने का प्रयास करता है ना तो ये शब्दों को बनाने का शुरू करता है कोई कुछ भी लिखने का प्रयास करता है ये ए ऑप्शन हो जाएगा ठीक है भाई देखो अर्थ उसको कुछ नहीं समझ में आता गलत बात है एकदम और अंक गणित में कुछ उसे पता ही नहीं अंकगणित क्या है और जो है बड़ों को अनुकरण करते हुए हाँ ये बात ठीक है कि वो बड़ों को अनुकरण करके ऐसा करता है वो देखता है अच्छा घर में जो है छोट भाई जो है वो पढ़ रहा है तो मुझे भी जो है ये बात बिल्कुल ठीक है लेकिन इससे ज्यादा अच्छा ऑप्शन ये है कि बच्चा जो है वो कुछ ना कुछ बनाना चाह रहा है कुछ ना कुछ निर्मिति बनाना चाह रहा है अगला प्रश्न बताओ तीसरा मुझे मैं सोच के आया था कि आज में सात सौ आठ सौ संख्या जो है हमारी पढ़ रही होगी आपको पता था पहले से मैराथन होगी कल सभी क्लासेस में बताया गया है की से प्रश्न है तो एकदम आप लोगों का पता था मैंने बताया था मैंने तो नहीं बताया मैं तो आ... से प्रश्न है तो एकदम आप लोग जो है आंसर कर रहे हो डी बिल्कुल सही बात है की कहते हैं कि बच्चा जो है है वो अपने समवयस्क शिशुओं के साथ सामाजिक से सीखता है। मतलब इसको हमें फिर अध्यापक को क्या करना चाहिए बच्चों को जोड़े में बिठा दे ऐसी योजना बनाए कि जिससे बच्चे जो है अपने अपनी आयु वाले बच्चों के साथ अंत क्रिया कर सके जोड़े में बिठा के अंत क्रिया करेंगे तो सीखेंगे ठीक से तीसवा प्रश्न हो गया इकतीसवां प्रश्न बताओ मुझे ये भारतीय कक्षाएं बहुभाषिक कक्षाएं हैं ये बहुभाषिक को ध्यान में रखकर के इनमें से प्राथमिक स्तर की बहुभाषिक कक्षा के विषय में क्या ठीक है प्राथमिक स्तर की बहुभाषिक कक्षा के विषय में ठीक क्या यह बताना है आज ईवीएस की क्लास नहीं होगी क्या अभी मैराथन ये वाली चल रही है ईवीएस की मैराथन कल हो चुकी है भाई बहुभाषिक कक्षा को ध्यान में रख करके क्या बात ठीक है प्रथम स्तर पर ठीक आंसर किया आप लोगों ने बहुभाषिक कक्षा का मैंने आप लोगों को बता दिया कि बच्चा जब अपने बच्चे को जब बच्चे को अपनी भाषा में बोलने का अवसर मिले ये बहुभाषी कक्षा होगी तो शिक्षक जो है बच्चे को अपनी भाषा में अभिव्यक्ति के लिए संवाद के लिए उत्साह बढ़ाएं बच्चे को जो है अगर वो जिस भाषा को पढ़ करके आए उसी भाषा में बोलने का अवसर मिलेगा तो वो आसानी से अपनी बात को कह पाएगा ये बहुभाषिक कक्षा का मतलब है मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों को एक बाध्य बना दूं कि भाई क्लास में अंग्रेजी में ही बोलना है हिंदी में ही बोलना है कोई तेलुगु वाला आया तो उसे तेलुगु में बोलने का अवसर दिया जाए ये बहुभाषिक कक्षा होगी तभी वो आसानी से पढ़ पाएगा अगर आप लोग इसको फील कर पाओ ना बहुभाषिक कक्षा को भाई सोचो आप लोग जो हैं अपने घर से जो भी पढ़ करके आए हैं जिस भी भाषा को सीख करके आए हैं और मैं एक जबरदस्ती ऐसी भाषा में बोलने को कह दूं जो आप लोगों को नहीं आती है या आती भी है पर उसमें उतने सहज नहीं है जितना अपनी भाषा में है तो आप आसानी से सीख पाओगे या नहीं सीख पाओगे आसानी से सीखने के लिए व्यक्ति को मातृभाषा की आवश्यकता होती है है ना साइंस में हम लोग जो है थोड़ा सा पीछे कभी कभी इसलिए रह जाते हैं कुछ लोगों को साइंस समझ में नहीं आता कारण यह है क्योंकि अंग्रेजी में पढ़ाया जाता है तो हिंदी में पढ़ाया जाता है तो एकदम समझ में आता है तो जो भी विषय अगर आप लोगों को नहीं भाषा आप लोगों को नहीं आती उसमें फिर आपकी समझ बनने में समय लगता है इसीलिए अपनी मातृभाषा में पढ़ा बोलने का अवसर प्रदान किया जाता है इसे बहुभाषी कक्षा कहते हैं शिक्षक को इतना कार्य देना चाहिए कि युग्म समूह में करे बच्चा क्यों बच्चा जो है देखो बहुत आसान प्रश्न है आप बच्चे को जोड़े में काम करने को दोगे समूह में काम करने को दोगे क्यों आपने बच्चे को जोड़े में काम करना क्यों कहा क्योंकि समूह में बच्चे जो है जल्दी काम कर लेते हैं ऐसा थोड़ी है। है। शिक्षक कार्य को कम करता है। अच्छा टीचर अपने सिर से बोझ उतारने को कह देता है चलो तुम अपना जोड़े में मिलके काम कर लो ऐसा नहीं। एता सोद्देश कार्य बाला परस्परम शिक्षण सहयोगम से कुरवंती एक दूसरे से सीखते हैं एक दूसरे का सहयोग करते हैं है ना अधिक अंक प्राप्ति की प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं इसलिए कथा की बच्चे जो हैं वो वाई, ये जो अभी आप लोगों ने वाई की वाला सिद्धांत पढ़ा कि अंत क्रिया से सीख सके बच्चे तेतीसवा थर्टी थ्री बहुत बढ़िया प्रश्न है ये वाला आप लोग अध्यापक बन गए तो ये बताओ कि पहली से पांचवी कक्षा का अध्यापक बन करके आप गए तो बच्चे का मूल्यांकन क्रम में भाषा शिक्षक के द्वारा प्रमुख है ना ध्यातव्य सबसे ज्यादा जरूरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है जब आप एक टीचर बन के जाओगे औपचारिक साप्ताहिक परीक्षा प्रगति पत्र आकलन बच्चे का जो है एक सप्ताह में टेस्ट जरूर लेना है क्या ये ध्यान रखोगे सत्रांत परीक्षाया उद्घोषित उत्तीर्ण अनुत्तीर्णम वा सीधा सीधा छह महीने की परीक्षा लो और बता दो तू फेल है या पास है ऐसा छात्रा प्रदर्शन विषय सूचना संग्रहार्थम विविध विधीनाम प्रयोग है छात्रेभ्य अभिभावकेभ्य तासम बच्चों के प्रदर्शन के विषय में सारी सूचना इकट्ठी करोगे बच्चे को भी वो सूचनाएं दोगे उसके माँ बाप को बुला के कहोगे कि तुम्हारा बच्चा ठप है या बहुत अच्छा कर रहा है वैविध्यम भाषा अभ्यास वर्धनाय प्रतिदिवस कक्षा कार्य गृह कार्य पूर्वक असाइनमेंट देना ये काम करना होता है जिस दिन आप टीचर बन जाओगे बच्चे को कंटिन्यू आकलन करना होता है आप लोगों को आपने पढ़ाया कि एक बटा दो और एक बटा और तीन बटे दो मिलकर के जो है वो चार बटे दो होता है ठीक है फिर आप लोग जो है उसे बहुत सारे ऐसे प्रश्न दोगे जिनमें हर बराबर है इस तरह के भिन्न दोगे तो ऐसे उदाहरणों को करने से बच्चा जो है घर से क्लासवर्क में भी होमवर्क करने में भी जल्दी सीखता है इसे क्या कहते हैं इसे कहते हैं सतत मूल्यांकन कंटिन्यू असेसमेंट जो है वो कहता है आप लोगों को होमवर्क मिलता था या नहीं मिलता था कितने लोग थे जिन्हें जिन, कितने लोग हैं जिन्हें होमवर्क मिलता नहीं था चलो बताओ भाई मुझे आप लोग जो है चौंतीसवा प्रश्न सब लोग होमवर्क करते थे सबको मिलता था होमवर्क गलती से मिस्टेक हो गया है ये भी ठीक है मिस्टेक से गलती नहीं करना गलती से मिस्टेक तो ठीक है थोड़ा सा स्पीड में बढ़े भाई शिशु जो है एक से एक भाषा के से या एक से अधिक भाषा के साथ विद्यालय आते हैं एक से अधिक भाषा ज्ञान शिशुओं का उपकार करता है किसमें उच्च अंकों को प्राप्त करने में संवेदनशील होने में अन्य छात्रों से दूरी या निकटता बढ़ाने में अंत सांस्कृतिक अवबोधने राष्ट्र नीति अवबोधने बच्चे को एक से अधिक भाषाएं सीख करके जो है वो क्या सीखता है बच्चा अंत सांस्कृतिक अवबोध राष्ट्र नीति अवबोध ठीक है एक से अधिक भाषा सीखने से बच्चे का ये लाभ होता है उत्पादक योग्यताएं क्या हैं? ग्रहणात्मक कौशल जिनमें आप ग्रहण करते हैं पढ़ते हैं और पढ़ते हैं और सुनते हैं ग्रहण कर रहे हैं और बोलते हैं लिखते हैं तो भाषण और लेखन जहां भी आएगा वो ऑप्शन ठीक हो जाएगा बिना दिमाग ये प्रश्न बना बनाया प्रश्न हर पेपर में आता है लगभग लगभग मतलब आप लोगों को हर साल आता है हर पेपर में कहना तो ठीक नहीं होगा व्याकरण अनुवाद विधि का दूसरा नाम तो जो है मैंने प्रश्नोत्तर विधि तो नहीं पढ़ा था बाकी एक ऑप्शन हटा दो फिर बाकी में से ऑप्शन दे दो भाई लाइक वाइक करने वाला काम देख लेना आप लोग मैं तो पढ़ाने पर करता हूं है ना सी आंसर है भंडारकर विधि कहते हैं इसको प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन करने के लिए इनमें से क्या ठीक है प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन करोगे तो क्या ठीक है ये सही बात है बिल्कुल मूल्यांकन जो है एंड ऑफ द ईच टर्म सब सत्रांत में मूल्यांकन नहीं करते मूल्यांकन तो कंटिन्यू करते हैं रोज भी करते हैं हर समय करते हैं कुछ कुछ भी पढ़ाते हुए करते हैं तो सत्र के अंत में नहीं करते हैं राज्य पर आधारित होना चाहिए क्यों होना चाहिए पढ़ाएगा अध्यापक अध्यापक जैसा चाहे वैसा मूल्यांकन करे विद्यालय पर आधारित होना चाहिए और अध्ययन अध्यापन की कंटिन्यू प्रक्रिया अंत ग्रथित प्रक्रिया होती है सी ऑप्शन आप लोगों ने बहुत समझदार लोग हैं आप लोग आंसर लगाया है छेद पदार्थोक्ति विग्रहो वाक्य योजना आक्षेपोथ समाधान व्याख्यानम षड विधम स्मृतम एक ये श्लोक है ये श्लोक जो है वो कौन सी विधि को ठीक कह रहा है आप लोगों को के आप लोगों ने जो है वो एक श्लोक लिखा श्लोक कौन सा याद है आप लोगों को सर्वे भवन तो सुखी नही होगा त्वमेव माता पिता तमेव लिख लेते हैं ये सबको याद है क्या बस इतनी पंक्ति लिखते हैं है ना इससे आप लोगों को समझाता हूँ ये श्लोक है इस श्लोक का व्याख्यान छह तरह से करते हैं हम लोग व्याख्यान करते समय छह चीजों को ध्यान में रखते हैं ये श्लोक याद है या नहीं हाथ उठा के बताओ सबको याद है तो पदच्छेद सबसे पहले पदच्छेद करते हैं पदच्छेद का मतलब क्या हुआ सबसे पहले आप लोग जो है इसको अलग अलग करके लिखोगे पदों को अलग अलग करोगे यहाँ त्वम लिखा हुआ है फिर एव लिखा हुआ है ये तो अलग अलग है ही फिर इधर भी त्व एव लिखा हुआ है तो सबसे पहले पदच्छेद करते हैं पदार्थोक्ति फिर पदों के अर्थों को उक्ति करोगे बताओगे तुम का अर्थ होता है तू एव का अर्थ होता है ही माता का अर्थ होता है माता पिता चमने और ये जो है ये कहलाता है फिर विग्रह करना कहीं संधि है तो विग्रह कर दो है ना फिर वाक्य योजना फिर वाक्य को देखते हैं कि लिखा क्या है? है ना उसके आधार पर फिर उस पर आक्षेप करते हैं कि अच्छा ये तो नहीं है फिर का समाधान देते हैं ना ये नहीं ये है तो जब इस तरह को करते हैं तो ये क्या कहता है आप लोगों ने आंसर तो सबने कर ही दिया होगा ये व्याख्या विधि कहलाता है व्याख्यानम स्मृतम लिखा हुआ भी है है ना हमेशा प्रश्न कठिन हो ये बिल्कुल अनिवार्य नहीं है बस इतना चाहिए ओ भाई मैं भगा दूंगा रे कौन सा ये मिंटू क्लास में पढ़ो पढ़ने से अलग कोई काम होगा तो मैं भगा दूंगा मुझे जो है ना सिर्फ पढ़ने वालों की आवश्यकता है बाकी की आवश्यकता नहीं है भीड़ बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है मुझे पढ़ाई से अतिरिक्त जो बात करेगा मैं भगा दूंगा प्रत्यक्ष विधि का दूसरा नाम क्या है आसान प्रश्न है प्रत्यक्ष विधि में संस्कृत भाषा में बोलना पढ़ना लिखना उठना सुनना नहाना धोना खाना पीना निर्बाध विधि किसी और भाषा की बाधा ही नहीं है प्रत्यक्ष विधि कहलाती है बताओ भाई थोड़ा सा आसान प्रश्न है लेकिन बुद्धि वाला प्रश्न है बिना बुद्धि लगाए गलत होगा लिख के ले लो तो गलत करोगे इसको अगर बुद्धि नहीं लगाई तो बिहार बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में मध्य प्रदेश वाले भी फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते जी। कोई अध्यापक आठवीं कक्षा के छात्रों को नगर का गांव के चारों ओर जाकर के भवनों के महत्वपूर्ण स्थानों के विषय में सूचना प्राप्त करने को कहता है तुम्हारे गांव के आसपास जो भी महत्वपूर्ण भवन है महत्वपूर्ण स्थान है उनकी सूचना इकट्ठी करो यथ ग्राम से विषय विज्ञापनम प्रकाशितुम प्रारूपम निर्मी जिससे कि हम फिर एक गांव के विषय में एडवर्टाइजमेंट बना लें हमारे गांव में आइए ये, ये चीज़ मिलेगी ये चीज़ मिलेगी ये स्थान है इतना बढ़िया ये है ऐसा एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है इसका प्रयोग क्या है ये प्रोजेक्ट है क्या ये समग्र परियोजना कार्य है ये दत्त कार्य है समूह कार्य है चलो ये दो ऑप्शन तो हो गए गलत बाकी आप लोगों को ज़्यादातर लोगों ने इसमें आंसर लगाया है कि परियोजना है ये प्रोजेक्ट है समग्र परियोजना और परियोजना में थोड़ा सा अंतर है यह समग्र परियोजना है आठवीं कक्षा के छात्रों को जब भी कोई देखो एक तो परियोजना हुई एक बच्चे को काम दिया प्रोजेक्ट वर्क में और समग्र परियोजना में क्या अंतर है सुन लो अगर एक बच्चे ने सब एक बच्चा जो काम करके लाता है वो है प्रोजेक्ट वर्क और पचास बच्चे काम करके लाते हैं उसने पूरी क्लास को लिखा हुआ है ना आठवीं कक्षा के सारे छात्रों को काम दिया एक एक बच्चा इकट्ठा करके लाया फिर उस इकट्ठा करके सारी सूचनाओं को प्राप्त करके गांव के विषय में एक विज्ञापन प्रकाशित किया ये प्रयोग समग्र परियोजना कहलाता है सब बच्चों की डेटा को मिला करके सब बच्चों की सूचनाओं को मिला करके एक विज्ञापन बनाया समग्र परियोजना हो गई प्रोजेक्ट वर्क हो गया बड़े लेवल पर बोलो समझ में आया या नहीं आया भारत माता की जय भाषा का अध्ययन तो भाषा शास्त्र कहलाएगा है ना आप लोगों को पहले ही पढ़ा दिया भाषा शास्त्र या भाषा विज्ञान कई बार आ चुका है प्रश्न अब 2023 में शिक्षा उपलब्धि का उद्देश्य क्या है आप लोग शिक्षा उपलब्ध करते हैं क्यों करते हैं उद्देश्य बताओ शिक्षा उपलब्धि का उद्देश्य क्या है हाँ क्षमताएं बढ़ाना बच्चे को जो है उसकी क्षमताओं को आधारित करके जो है वो पढ़ाना चलो ये अगला प्रश्न बताओ मुझे आप लोग प्रामाणिक पाठ्य विषय क्या है एक प्रश्न छोड़ दिया मैंने फिर पढ़ाएंगे उसको प्रामाणिक पाठ्य विषय क्या है बताओ भाई किसे प्रामाणिक कहोगे आप लोग जो है भाषा के अध्ययन अध्यापन के लिए कृत्रिम रूप से अध्यापक के लिए लिखी लिखा हुआ पाठ्य पुस्तक एक एक अध्यापक के लिए कोई पाठ्य पुस्तक लिखी जाएगी तो वो बच्चे के लिए क्या पाठ्य प्रामाणिक हुआ भाषा नाम अध्ययन अध्यापन आये पाठ्यपुस्तक भाषा भाषाओं के अध्ययन और अध्यापन के लिए पाठ्यपुस्तक पुस्तक लेख ही अब थर्ड क्लास के बच्चे को तो वो नहीं है प्रामाणिक वो है जो बच्चे की दृष्टि से लिखा गया है अब बच्चे को जो है संस्कृत साहित्य का इतिहास पढ़ाओ संस्कृत में लिखा हुआ वो संस्कृत भाषाओं को अध्ययन अध्यापन के लिए पाठ्य पुस्तक तो है पर बच्चे के लिए प्रामाणिक नहीं है बच्चे के लिए हमेशा वो चीज प्रामाणिक होती है जो उसके स्तर को ध्यान में रखते हुए लिखी जाती है जो बच्चों के उद्देश्य को ध्यान में रख के लिखी जाती है और भाषा का अध्ययन अध्यापन के लिए प्रयोग की जाती है ये कहलाएगा भाई यहाँ पर ठीक है दूसरे अपर उद्देश्य में ना दूसरे उद्देश्य से लिखी जाती है मतलब उद्देश्य कुछ और है बच्चे को पढ़ा दो ऐसा तो ये ऑप्शन ए तो गलत है ही पैतालीसवा प्रश्न बताओ नवीन शब्दानाम नाम शिक्षण अध्यापक ने तत्त कर्तव्य नए शब्द जो है वो सिखाने हैं आयुषियों खाना बनाना बना लो क्या हो गया है आप अपना खाना बनाओ जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ते रहेंगे नए शब्दों नए शब्दों के शिक्षण में अध्यापक को क्या करना चाहिए सरल भाषा में शब्दों के अर्थ लिख दे कब तक लिखेगा कितने शब्दों के अर्थ लिखेगा अध्यापक है ना शब्दों को अन्य शब्दों के साथ प्रयोग करके दिखाए कितने शब्द का प्रयोग किए कराएगा बच्चे को संदर्भ के अनुसार बच्चे को अधिक से अधिक शब्दों के प्रयोग करने को बच्चे को समर्थ बनाना चाहिए बच्चे को अनुमान करना सिखा दो आप एक तो ये है कि भाई बच्चे की हेल्प कब तक करोगे आप लोग आपने दस शब्दों के अर्थ बता दिए पचास के बता दिए दो सौ के बता दिए ढाई सौ के बता दिए उससे ज्यादा फिर बच्चे को कोई नया शब्द आएगा फिर तुम्हारे पास आए दौड़ करके मान लिया मुझे जब मेरे गुरु ने पढ़ाया जब उन्होंने जितने शब्द सिखाए तो अब अगर मेरे सामने कोई नया शब्द आएगा तो मैं गुरुजी के पास जाऊं नहीं उन्हें अनुमान करना सीखो संदर्भ के अनुसार जो भी शब्द है उसके अर्थ को अधिक से अधिक ध्यान देकर के प्रयोग करना सीखे बात बन जाएगी और जो शब्द आते हैं उनको भी जो है वो प्रयोग करना सिखाना होगा चलो प्रश्न बताओ मुझे आप लोग लघु कथा को पढ़ने के अंतर छात्रों को अध्यापक ये प्रश्न पूछता है एक कहानी पढ़ा करके बच्चे को ये प्रश्न पूछा या लघु कथा युषमा भी जो कहानी तुमने पढ़ी है उसको आश्रित्य युय आत्मान मुख्य पात्रम रावी मन कहानी में एक कैरेक्टर था रावी तो तुम अपने आप को रावी मान करके जो है अपने अनुभवों को वर्णन करो अपने मित्र को एक पत्र लिखो ये प्रश्न किस प्रकार का है अध्यापक ने कहानी पढ़ाई सुनाई पहले तो बच्चों ने आंसर भी अरे भाई आंसर भी लिखा हुआ है मैं क्या करूं मेरी बुद्धि कहाँ काम कर रही है आज इन में सब में लिखे आ रहे हैं क्या हाँ इसी में लिखा था। हुआ था सैतालीस प्रश्न बहिर्निवेशात्मक प्रश्न समझते हो आप लोग जो है <laughs> नकल मार ली अच्छा कित, चलो ठीक है मान लेते हैं यह प्रश्न का आंसर गलत दे देता हूँ मैं ये प्रश्न का आंसर गलत है अब बताओ सही आंसर क्या है ये प्रश्न का आंसर सही क्यों है और गलत क्यों है ये ये सोच के तब आंसर करो बताओ ये आंसर सही है या गलत है पहली बात तो ये है ऐसे ही नकल मारो पर नकल से पहले अकल भी तो लगानी पड़ेगी ना बताओ ये सही है तो क्यों है और गलत है तो क्यों है प्रश्न जो है बदल देते हैं प्रश्न ये रखते ही नहीं है सुनो ध्यान से तो सुनो आप लोगों को मैं कहानी सुनाऊं सुनादी कहानी कहानी में कैरेक्टर है रावी फिर मैंने आप लोगों को कहा कि अपने आप को रावी मान करके एक पत्र लिखो अपने मित्र को तो ये किस तरह की बात है ये सूचनात्मक सूचना देने की बात तो नहीं हुई है लेखन प्रश्न भी नहीं है लिखने की बात नहीं है रोल प्ले कैसे हो गया रोल प्ले में तो आपको नाटक अभिनय करके दिखाना पड़ता है रोल प्ले नहीं है भाई ये आपको अपने आप को रावी मान करके लिखना है अपने मन की बात को बाहर निकालना है एक्स्ट्रा पॉलिटिव ही है बहिर्वेशनात्मक आपको अपने आप, आपने जिन अनुभवों को ग्रहण किया है उसको अभिव्यक्त करना है एक्स्ट्रा पॉलिटिव ही है ये ही होगा भ्रम में ना डाले गुरु जी नहीं तो केस कर दूंगी मैं ऐसा ठीक <laughs> है बच्चों प्रश्न को समझना सीखो तुक्का मारना नहीं बोलो भारत माता की जय बताओ शीघ्रता से आसान प्रश्न है शुद्ध उच्चारण के साथ समुचित क्रम से उबोले गए समुचित शब्दों के साथ जो भाषण है वो क्या कहा जाएगा भाषण की प्रक्रिया है ठीक बोलना शुद्ध बोलना जो लिखा हुआ है वो है ना अनुमान ही तो लगा रहा है रीचा कह रही है रीचा फिर समझो प्रश्न को अनुमान कहाँ लगा रहा है अनुमान लगाना होता है जो आपको जानकारी नहीं है मैं आपको अनुमान लगाने का उदाहरण देता हूं गाय देखी है सबने जल्दी बोलो फटाफट से अनुमान कहां लगा रहे हैं मैं आप लोगों को यह बताता हूं गाय देखी है सबने बोलो जल्दी से गाय देखी है नहीं देखी है देख ली है सबने गाय देखी है बोलो हां नील गाय देखी है आधे लोगों ने देखा होगा नील गाय आधे लोगों ने नहीं देखा होगा गाय जिसने देखा है उसके सामने नील गाय आ जाए तो नील गाय को देख करके व्यक्ति सोचता है कि गाय जैसा है तो गाय है तो ये कहते हैं अनुमान लगाना आपने कोई जानकारी आपको है उसके आधार पर कोई नई जानकारी जब प्राप्त करते हैं ये अनुमान लगाना होता है लेकिन उसने जो है वो एक कहानी सुनी और कहानी का जो पात्र है रावी अपने आप को रावी मान करके जो फील किया वो अपनी बात को अभिव्यक्त करना एक्स्ट्रा कहलाता है बहिर्वेशना बहिर्वेशन कहलाता है तो एक्स्ट्रा पॉलिटिव प्रश्न था ये वाला अपनी बात को बाहर निकालने के लिए था शुद्ध उच्चारण के साथ जो है ठीक शब्दों से भाषण की प्रक्रिया हो गई ए हो गया 48वां प्रश्न बताओ सही क्या है इसमें से आसान प्रश्न बहुत ही ज्यादा आसान है सेंटर चेंज करेगा कि सेंटर चेंज नहीं होगा सेंटर में आप लोगों को जो आपने सिटी भरा है उसी सिटी में मिलेगा सही आयुषी कह रही है रोज सड़क पर गाय घूमती दिखाई देती है हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जो गाय जो है हमारी जिसको अपनी मां के समान कहते हैं वो सड़क पर दिखाई देती है डी आंसर कर दिया आप लोगों ने सही बात है एक भाषा दूसरी भाषा के शिक्षण में परस्पर सहायक ही होती है संपूरक और अनुपूरक होती है सही बात है आपको हिंदी आती है तो आप हिंदी में अपनी बात कह पाते हैं तो धीरे धीरे संस्कृत भी सीख जाएंगे अंग्रेजी भी सीख जाएंगे अगर आपको हिंदी मतलब कोई एक भाषा आती नहीं है तो सीखना कठिन है लेकिन आप लोगों को एक भाषा आती है तो वो दूसरी भाषा को सिखाने में हेल्प करती है सहायता करती है उत्तर भी लिखा हुआ है लो अब मैं इसका क्या करूं उत्तर लिखा हुआ है तो गलत बता दो इसको चलो मान लेते हैं गलत है अब आंसर करो शिक्षण की प्रारंभिक अवस्था में कविता पाठ और गायन जो है वो शिक्षण में सहायता करते हैं बच्चे को जब बच्चा पहली दूसरी क्लास में है तो उसे हम बच्चे को एक कविता पाठ करने को कहते हैं और कोई कहानी सुनाते हैं कविता सुनाते हैं तो ये जो है ये किस में सहायता करता है बच्चे का गायन में शारीरिक क्रियाशीलता में और अपने मनोवैज्ञानिक योग्यताओं में ये ऑप्शन ठीक लग रहा है वैसे अभी देखते हैं चलो इसको तो भूल जाओ कुछ देर के लिए सही ढूंढ के निकालते हैं क्या पता गलत हो मैं ऐसा करूंगा अगली क्लास में आप लोगों के लिए गलत आंसर चेप दूंगा नीचे फिर देखते हैं मजा आएगा पढ़ने में ऐसे फिर देखेंगे कौन बुद्धि लगा के पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है चलो ये कह रहे हैं कि बच्चे को आपने जो है कविता सुनाई और जो है वो गायन कोई गीत सुनाया तो ये जो कविता और गायन है वो बच्चे को शिक्षण में सहायता करते हैं दोनों किस तरह के शिक्षण में सहायता करते हैं बच्चे को जो है शारीरिक क्रियाशीलता में और अपने मनोवैज्ञानिक योग्यताओं में देखो मनोविज्ञान तो यहाँ पर फिर भी थोड़ा सा लग रहा है कि बढ़ रहा है बच्चे का मनोविज्ञान की योग्यताएं बढ़ रही हैं जब हम उसे कोई कविता सुना रहे हैं गायन सिखा रहे हैं लेकिन जो है वो शारीरिक क्रियाशीलता गाने में कह सकते हो कि उसके हो हिल रहे हैं हाथ चला रहा है ऐसा पर यह गायन में सहायता नहीं करना उद्देश्य है मुख्य उद्देश्य पूछ रहे हैं ना उद्देश्य क्या है ऐसा करने का बच्चे को छोटे बच्चे को कविताएं क्यों सुनाते हैं कहानी क्यों सुनाते हैं छात्रानाम कविता नाम गीता नाम से कंठस्थी ouais करने छात्रों की कविताओं और गीतों को याद करने में शारीरिक विकास में और गत्यात्मक योग्यता के विकास में संज्ञानात्मक शारीरिक भावनात्मक भाषा विकास में सारे ऑप्शन इसमें ठीक है बाकी एक एक ऑप्शन सब में ठीक है हम बच्चे का शारीरिक विकास भी कर रहे हैं बच्चा गीत सुन रहा है कविता सुन रहा है तो उसमें बच्चे को सारी बॉडी से एक्टिवनेस भी दिखाई दे रही है संज्ञान बच्चे को कविता सुन के उसकी समझ भी बढ़ती ही है और भावनात्मक बच्चे को जो है कविता से और गीत से हम लोग भावना भावनात्मक रूप से जोड़ रहे हैं ए ऑप्शन हो जाएगा ये भाषा अधिगम पक्षे यह प्रयोग महत्वपूर्ण अस्ति बताओ भाई अयम भाषा शिक्षण से अधिगम से केन विधिना संबद्ध अस्ति भाषा के प्रयोग की बात कर रहे हैं अगर आप लोगों को भाषा सीखनी है सीखने के लिए बोलना पड़ेगा भाषा को तो ये जो, ये जो बात है भाषा बोलने से बोलना आता है बात करने से बात बनती है, है ना कॉल का नंबर बता देना क्लास बाय करनी कौन सी देख करनी है फिर बताता हूँ चलो मैं आप लोगों को आंसर सही है आप लोगों का सबका टी आंसर तो की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे तो भाई भाषा का प्रयोग करना है भाषा का प्रयोग करना है बोलना है बातचीत करनी है इतनी सी बात हो रही है आ जाओ भाई पचास के बाद जो है फटाफट से अब आ जाओ ये भा, भाषा शिक्षण अधिगम के संदर्भ में इनमें से सामग्री किसे नहीं मानोगे आप लोग कुछ तो सामग्री है और एक चीज सामग्री नहीं है संस्कृत की क्लास लेनी है पल्लवी मैं आपको अभी दिखा देता हूं कैसे है और कॉल का नंबर भी दे देता हूं पाठ्यपुस्तक लेकिन कोड यूज करना वाई थ्री टू वन ये ध्यान रखना वाई थ्री टू वन संस्कृत का कोड है इसी से बाई करना ठीक है बात कर लेना लेकिन यही कोड यूज करना पाठ्य पुस्तक तो है ही सामग्री समाचार पत्र से भाषा पढ़ रहा है सामग्री है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कोई है वो भाषा सिखाने वाला वो भी भाषा सिखा रहा है टीचर की लैंग्वेज अध्यापक की भाषा सामग्री नहीं होती है कौन सा कथन सही है भाषा के भाषा के विषय में ये विचारों के विचार हैं नियमों और अपवादों का नियम है व्यवस्थित है व्यवस्थाओं की व्यवस्था है बोलो शीघ्रता से ये व्यवस्थाओं की व्यवस्था है दूसरे प्रश्न का जो है ऑप्शन हो जाएगा है ना इसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं कारक की व्यवस्था है संधि की व्यवस्था है समाज की व्यवस्था है क्रिया की व्यवस्था है ये जो है ये व्यवस्थाओं की व्यवस्था है जब बच्चे विद्यालय शिक्षा आरंभ करते हैं तो उनको भाषा पढ़ाने की आदर्श विधि क्या है बच्चे ने पढ़ना शुरू किया तो शब्दों और वाक्यांशों का वर्तनी लेखन का बच्चे को उदाहरण के साथ व्याकरण व्याकरण पढ़ा दो पहले डरा दो बच्चे को कवि, कवि कविता सुनाओ ग, गायन सुनाओ और गीत गायन का अभ्यास कराओ कहानी सुनाओ या सीधा जो है अक्षरों को लिखना बी ऑप्शन सही है इसमें ठीक है बी ऑप्शन सही है आप लोगों को अगर टीचर सड्डा पर जुड़ करके जो है वो तैयारी करनी है हमारे साथ पूरी टीम के साथ तैयारी करनी है अर्डर ट्वेंटी फोर सेवन पर जाकर के यहां क्लिक करो अरे देवी देवता कुछ तो खुल जा अडर ट्वेंटी फोर सेवन की वेबसाइट खुल गई है वेबसाइट खोल करके यहाँ ऑल कोर्सेज में जाके गवर्नमेंट जॉब और टीचिंग और टीचिंग में जा करके जैसे डी का का कह रहे हो तो यहां जा करके, आपको आपको अभी एक एक पूरा होने वाला है है ठीक वो बैच, आपको ना एक बैच जो मान पुराना जो पूरा हो गया इसमें तो मिलेंगे आप लोगों को तो दृष्टि नाम से हमारा बैच है ये वाला संस्कृत के लिए भी है और सब विषयों के लिए भी है कहा गया कहा गया टीजी -टी संस्कृत का बैच है लेकिन मेरे सलाह ये है कि आप लोग एक पुराने बैच को खरीदो इससे बढ़िया ये है। अभी ये वाला बैच भी देख पाओ और नया बैच भी देख देख पाओ पाओ इसके लिए पैक लेना पर मैं आपको बता देता हूँ अगर ये वाला बैच भी जुड़ना है तो जिस भी बैच से जुड़ना है यहाँ बाई नाव पर क्लिक करो ठीक है वाई थ्री टू वन कोड यूज करना बस ये ध्यान रखना संस्कृत का या जो बैच जो है आप लोगों को इससे लोगे बाईस सौ निन्यानवे रुपए इससे अच्छा ये है कि आप लोग बाईस सौ निन्यानवे रुपए यहाँ दोगे तो महापैक लो मेरी सलाह तो यह है कि आप लोग जो है महापैक में क्योंकि मैं जब एग्जाम वैकेंसी आ जाएगी एक क्रैश कोर्स भी चलाऊंगा क्रैश कोर्स से टीचिंग का महापैक लेने से आप लोगों को ये लाभ होगा टीचिंग का महापैक जो है वो ये लाभ होगा कि वाई थ्री टू वन आपको पुराना बैच भी दिखाई दे जाएगा बत्तीस सौ पैंसठ रुपए दिखा रहा है अमाउंट कम किया गया है नहीं तो चौंतीस सौ रुपए का है और बारह महीने के लिए आप लोगों को जो है ये मिल जाएगा आओ भाई फटाफट से टीचिंग का महापैक तो हमारे यहां बहुत जबरदस्त चीज है ये हो गया अगला प्रश्न बताओ मुझे आप लोग अधिगम परिणाम से उद्देश्य वृद्धि रस्ती अधिगम परिणाम का उद्देश्य क्या है किसमें वृद्धि करना है डी आंसर क्यों किया आपने? डी आंसर क्यों कर रहे 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 हो भाई? हम बच्चे को अधिगम करा हैं, हैं। सिखा रहे हैं। उसका परिणाम क्या है तो क्या बढ़ाना चाहते हो आप लोग क्षमता बढ़ाना चाहते हैं बच्चे की आप लोगों को पढ़ाया लिखाया माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया गुरुजनों ने पढ़ाया लिखाया ताकि आप लोग समर्थ हो सको अपने आप को समाज में प्रस्तुत करने के लिए कहीं किसी विषय पर बात हो रही हो वहां बोल सको खड़े होकर के तो अलग अलग विषय पर अलग अलग जो है बात कर क्षमता बढ़ानी होती है हमें बच्चे की कीर्ति पांचवी कक्षा की अध्यापिका है बताओ भाई जल्दी से पैडागोजी में दिमाग उसका ख़राब होता है जो केवल ध्यान से थोड़ा सा नहीं पढ़ना पढ़ना प्रयास करता है समझने का प्रयास नहीं करता है ठीक बात है वैसे पैडागोजी जो है कठिन लगती है लेकिन और आंसर लगता है कि ये भी ठीक है ये भी ठीक है ये भी ठीक है, है पर अभ्यास निरंतर करके देखो आप बच्चों बताओ आप में से कितने लोगों को लाभ हुआ निरंतर अभ्यास करके ऑप्शन भी कर रहे हो आप लोग कुछ लोग कीर्ति जो है वो पांचवी कक्षा की अध्यापिका है वो छात्रों को आंख बंद करने को कहा उसने फिर एक वाक्य को दो बार पढ़ा बच्चे ने जो है एक वाक्य को दो बार सुना उनको दो वाक्य को लेखन पुस्तिका में लिखने को कहती है ठीक है अपनी कॉपी में इन दो वाक्यों को लिखो और ये फिर पांच वाक्यों के लिए कहती है बताओ भाई ये क्या है वाक्य श्रुतलेख हुआ ये तो दो वाक्य लिखने को कह रही है वाक्य श्रुतलेख लेख हुआ सी ऑप्शन हुआ ये ठीक है ये बताओ मुझे संदर्भ में व्याकरण का मतलब क्या है संदर्भ में व्याकरण का क्या अर्थ है व्याकरण के नियमों और व्याख्या पद्धति से पढ़ाना व्याकरण के नियमों को व्याख्या पद्धति से पढ़ाना उनका अलग-अलग संदर्भ में प्रयोग करना एकल वाक्ययशो व्याकरण प्रकरण वैसे संदर्भ में व्याकरण का समझते हैं आप लोग संदर्भ रेफरेंस से जहां भी जरूरत पड़े जैसे आप लोग जो हैं आप आप जो है वो कोई बात कर रहे हैं दो लोग मिलकर के तभी आपका मित्र आ जाए जिसके विषय में बात हो रही है तो हम कहेंगे कि इसके संदर्भ में ही बात कर रहे थे हम तेरे ही बारे में बात हो रही थी ऐसे ही संदर्भ में व्याकरण का मतलब ये होता है कि जहां भी आप लोग पढ़ रहे हो लिख रहे हो सुन रहे हो बोल रहे हो वहां व्याकरण को ढूंढना मतलब व्याकरण को अलग से पढ़ करके देखो व्याकरण को कभी भी अलग से पढ़ के नहीं सीखा जा सकता जब तक आप लोग उसका संदर्भ में प्रयोग ना करो जहाँ जो बोल रहे हो पढ़ रहे हो लिख रहे हो सुन रहे हो वहां व्याकरण का प्रयोग ना करो तो व्याकरण नहीं सीख सकते आप लोग है ना तो संदर्भ में व्याकरण का मतलब क्या है एक वाक्यो में व्याकरण के प्रकरणों का प्रयोग करना उसके बाद उन्हें आत्मसात करना स्वाभाविक वार्तालाप में व्याकरण के प्रकरणों का प्रयोग करना उसके बाद छात्रों को उनको ढूंढने को कहना लो भाई जो भी बच्चे बातचीत कर रहे हैं उसमें व्याकरण के प्रकरणों का प्रयोग करो ठीक है मान लिया बच्चों से बातचीत कर रहा है अध्यापक व्याकरण पढ़ा रहा है अध्यापक को पढ़ाना है संधि तो अध्यापक बच्चे से बात करते हुए ऐसे शब्दों का प्रयोग करे यद्यपि अब बच्चे से फिर वो कहे के यद्यपि में कौन सी संधि है बताओ विद्यालय विद्यालय में कौन सी संधि है बताओ इसे कहते हैं प्रकरण का प्रयोग करना स्वाभाविक वो ऐसे बोले यद्यपि विद्यालय तो उद्घाटित ही है।, है ना ऐसे वाक्य बोलेगा और फिर बच्चे को कहेगा यद्यपि में संधि बताओ विद्यालय में संधि बताओ ऐसे आप लोगों को स्वाभाविक वार्तालाप में प्रयोग करना व्याकरण के प्रयोगों का उपकौशल नहीं है ये बताओ कौन सी क्रिया सब स्किल नहीं है पठन की पढ़ने का उपकौशल नहीं है ए वाला बताइए यार ए वाला क्या रह गया ए वाले में व्याकरण प्रकरण नाम पूर्वमेव अध्यापनम पहले व्याकरण को पढ़ाओ और फिर उसका संदर्भों में प्रयोग करो संदर्भ में व्याकरण पूछा है किसी संदर्भ में व्याकरण का मतलब यह है हम लोग जो भी बोल रहे हैं उसी संदर्भ में व्याकरण का प्रयोग इन्होंने कहा कि पहले व्याकरण को पढ़ाओ और उस प्रकरण का प्रयोग करो नहीं एक विशेष प्रकरण का प्रयोग करना नहीं है जो भी वाक्य में आ जाए संधि आ जाए संधि बोल दो समास आ जाए समास बोल दो ये व्याकरण को पढ़ाना जो है संदर्भ में कहलाता है कौन सा क्रिया जो है वो उपकौशल नहीं है सब स्किल नहीं है व्याकरण पढ़ने की बोलो भाई इसमें ऐसा कौन सा है जो पठन नहीं है शब्दावली का ज्ञान मुख्य शब्दों का चयन करने के लिए पढ़ना पड़ेगा सूचना की बैकग्राउंड और अग्रभूमि का ज्ञान करने के लिए पढ़ना पड़ेगा है ना उपकौशल पढ़, जहां पढ़ने का प्रयोग नहीं हो रहा है परिचित शब्द कोशीय शब्दे भी अर्थ ग्रहणम पढ़ करके पता लगेगा वाक्यशु व्याकरणीय रूपाणाम ज्ञानम व्याकरण के रूपों का ज्ञान जो है वो पढ़ने का कौशल नहीं है बोलो कोई अध्यापिका छात्रों को युग्मों में परिच्छेद से वाक्यांतराणीवार क्रम पठित कथयती कोई अध्यापिका छात्रों को युग्म में पेयर में परिच्छेद से वाक्यांतरों को क्रम से पढ़ने को कहती है छात्रों को पैराग्राफ से वाक्यों को क्रम से पढ़ने को कहती है एक बार तू पढ़ एक बार तू पढ़ एक छात्र वाक्यांश ने लिखती तब से सहभागी पढ़ती दो बच्चे हैं युग्म में जोड़ा जोड़े में दो बच्चे हैं। एक बोल रहा है दूसरा सुन, लिख रहा है फिर दूसरा लिख रहा है फिर पहला बोल दूसरा बोल रहा है फिर पहला लिख रहा है लिखितानी वाक्या मुद्रित ही वाक्य वाक्य ही सह मिली तुम फिर कहती है कि जो तुमने लिख लिया है उसको मूल वाक्य के साथ मिलाओ ये क्रिया क्या कहलाती है बोलो भाई बोलो 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 ये आप लोगों ने युग्म कार्य कहा है अन्योन्या श्रुत लेखन है एक से दूसरा सुन के लिख रहा है उसने जो है वो अध्यापिका ने पेयर में बच्चे को वाक्य बोलने को कहा है क्रम से एक बोलेगा वाक्य दूसरा लिखेगा फिर दूसरा बोलेगा फिर पहला लिखेगा फिर दोनों को उससे मिलान भी करना है श्रुतलेख है आप लोगों ने कभी इमला लिखी है इमला डिक्टेशन कितने लोगों ने इमला लिखी है हाथ उठाओ बोलो जब टीचर जो है आप लोगों को कोई ऐसा शब्द बोलते थे और आप लोग लिखते थे आप लोगों ने उज्जवल शब्द लिखा होगा सबने गलत देखा होगा ज्यादातर लोगों ने उज्जवल आशीर्वाद ये जब ऐसे शब्द बोलता है फिर अध्यापक चेक भी करता है इसे श्रुतलेख कहते हैं और यहां वाक्यों को श्रुतलेख हो रहा है एक दूसरे से वाक्य से सुन रहे हैं सबने हाथ उठाया सबने डिक्टेशन जो है वो आता है आप लोगों को इसमें से कोई भी एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपको नहीं आता बस विचार करने की समझने की आवश्यकता है मात्र भाषा शिक्षण विषय किम सत्यम नास्ती थोड़ा तेज बोलो नहीं सुनाई दे रहा है ऐसा है क्या ठीक बात है बच्चे का विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हैं सही बात है बच्चे जो हैं जब भाषा शिक्षण करते हो आप वो सुनता भी है पढ़ता भी है लिखता भी है अक्षरों का अलग अलग तरीके से निर्माण भी करता है ये बात तो सही है विशेष भाषा के संदर्भ में अवस्था प्राय समान होती है यद्यपि प्रगति स्तर विभिन्न होते हैं सही बात है बिल्कुल आप लोग क्लास में पढ़ाओगे संधि सबको संधि समान अवस्था होगी सबकी पर प्रगति स्तर अलग अलग होगा ठीक बात है निगेटिव ढूंढना है सारी भाषाओं के संदर्भ में अवस्थाएं समान होती हैं देखो क्या है ना बच्चे तो समान ही रहते हैं सारी भाषाएं जो भी पढ़ाओ आप लोग जो है चाहे हिंदी पढ़ाओ अंग्रेजी पढ़ाओ बच्चों का स्तर तो वही रहता है बौद्धिक स्तर तो बच्चों का समान ही रहता है और जो है लेकिन बच्चों का त्रुटि और संशोधन वही नहीं करना चाहिए बच्चे ने पढ़ना शुरू किया लिखना शुरू किया एक लाइन लिखी थी तभी बच्चे को कह दिया कि क्या गलत सरस लिख रहा है एक एक वाक्य बोला था उसी में कह दिया कि तूने जो संधि का प्रयोग नहीं किया तूने यहां वाक्य क्रिया गलत कर दी फिर बच्चा आगे बोल नहीं पाएगा त्रुटि संशोधन जो है बच्चे की अभिव्यक्ति पूरी हो जाए उसके बाद त्रुटि संशोधन करना चाहिए तत्काल नहीं करना चाहिए आप लोगों की समझ तो बन रही है या नहीं बन रही है मुझे बस ये बताओ बताओ भाई देखो पढ़ने वाले जो है ना जो लोग पढ़ने के इच्छुक हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं ध्यान से पढ़ रहे हैं बस ये है कि आप लोग आ, मैं अपनी कक्षा में वो हड़बड़ी नहीं चाहता कि बस क्वेश्चन आया और आंसर करो समझ में आ रहा तो नहीं आ रहा तो प्रतिभाशाली समझ नहीं आया आयुष्य आपका व्याकरण को पढ़ाना है आप लोगों को यहाँ एक आप लोगों का कंफ्यूजन दूर करना है मुझे अगर आप लोगों का आंसर देख लूँ पहले में फिर क्या है फिर पता लगेगा आप में से ये प्रश्न जो है ना अभी मैंने एक प्रश्न पढ़ाया था आप लोगों को संदर्भ में व्याकरण पढ़ाना दो अलग अलग बातें हैं आप लोगों ने अच्छा कितने लोगों ने ग्रामर की क्लास पढ़ी है एक तो कम दिख रहा है आंसर कैसे करें ग्रामर की क्लास पढ़ी है आप लोगों ने अलग से पढ़ी है यदि सब समान होंगे तो प्रतिभाशाली कौन होगा बच्चों की अवस्थाएं समान रहती हैं मानसिक स्तर जो है अवस्था की बात हो रही है एक क्लास रूम में एक टीचर एक 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 विषय भाषा वो सब अवस्थाएं प्रगति का स्तर अलग अलग है आप लोगों ने जो है वो व्याकरण की क्ला... अरे भाई आ, आप आंसर नो क्यों कर रहे हो मैं तो समझता ही नहीं ये बात मुझे तो नहीं लगता कि आप में से एक भी ऐसा होगा जिसने ग्रामर की क्लास ना पढ़ी हो भाई आप लोग जो हैं क्लास में जाते हैं आप लोग जो हैं ग्रेजुएशन कर लिया कि आप लोगों ने हिंदी से अंग्रेजी में अंग्रेजी से हिंदी में हिंदी से उर्दू में उर्दू से अंग्रेजी में इस तरह से अनुवाद नहीं किया कभी आप लोगों ने सब ने अनुवाद किया होगा तो एक बात बताओ मुझे आप लोग वो अनुवाद ना करते तो आप लोगों को ट्रांसलेशन अनुवाद करना आता अगर आप लोग जो है राम जाता है इसको आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस आप लोगों को लगाने को बताया गया होगा फिर आप लोगों ने इसको लिखा राम गोज मेरी भाषा ऐसी है भाई अंग्रेजी की इससे ज्यादा साफ नहीं लिख सकता मैं तो राम गोज तो आप लोगों ने पहले सब आप लोगों को ऐसे व्याकरण पढ़ाया अगर आप लोगों को ये सेंटेंस ना बनाया सि, बनाना सिखाते तो आप लोग अनुवाद नहीं कर सकते थे है ना तो अंग्रेज जब बोलते हैं उन्हें वहां अंग्रेजी में अनुवाद करना नहीं सिखाया जाता क्योंकि अंग्रेजी में आप लोग जानते ही हैं वो बहुत उल्टी सीधी अंग्रेजी बोलते हैं लेकिन जो भारतीय व्यक्ति होता है जो प्रॉपर ये सीख करके आया है उसके ट्रांसलेशन में उसके अनुवाद में अंग्रेजी का बिल्कुल गलती नहीं होती है जो व्यक्ति ठीक पढ़ा हुआ होता है है ना तो यहां से यही प्रश्न पूछा है व्याकरण का प्रभावी अध्यापन जो है कैसे होगा तो व्याकरण के नियम पढ़ाने पड़ेंगे उदाहरणों के साथ व्याकरण आप, आप लोगों ने जो है ऐसे व्याकरण के व्याकरण दो तरह से पढ़ा हमने और प्रश्न भी दो तरह से आएंगे और आप लोग गलत करोगे सुनो एक तो हुआ व्याकरण को पढ़ाना व्याकरण को पढ़ाने के लिए तो आप लोगों को व्याकरण के नियम पहले रखने पड़ेंगे उदाहरण देकर के नियम का एक्सप्लेनेशन देना होगा जैसे कि मैंने अभी दिया था कि सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस में और एस या ई एस लगाया आप लोगों ने है ना मैं इंग्लिश का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश बहुत कॉमन है संस्कृत आप में से हो सकता है अनुवाद ना करे हो लेकिन इंग्लिश के अनुवाद सबने किया होगा तो अगर आप लोगों को पूछेगा व्याकरण का प्रभावी तरीका कौन सा है पढ़ाने का तो व्याकरण पढ़ाना है तो आप लोगों को नियमों से ही पढ़ाना पड़ेगा और अगर आप लोगों को पूछे व्याकरण का प्रयोग कैसे करना है फिर व्याकरण का प्रयोग होगा संदर्भ में आप लोगों को संदर्भ में व्याकरण का प्रयोग करना होगा फिर तो यहां यही पूछा कि व्याकरण का प्रभावी अध्ययन करना है तो आप लोगों को नियम उदाहरणों के साथ बताने हैं अगला प्रश्न बताओ मुझे समझ नहीं आया आप लोगों को समझ में आया है या नहीं आया है समझ में आया है तो बता दो मुझे शीघ्रता से आदर्श भाषा निम्नलिखित निम्नलिखिता आदर्श भाषा पाठ्यक्रम में ये होता है आप लोग जो है एक पाठ्यक्रम बनाते हैं तो उसके कुछ उद्देश्य होते हैं सेकंड क्लास के लिए अगर आप लोगों को कोई भी पाठ्यक्रम बनाना है तो उसके अपने कुछ उद्देश्य होंगे उसकी अंतर्वस्तु होगी उसकी फिर एक प्रक्रिया होगी व्यवस्थित और फिर उसका बाद में मूल्यांकन किया जाएगा कि सीखा क्या है तो ए ऑप्शन ठीक है इसमें एक सेंटेंस दिया हुआ है इसको पढ़ के इस प्रक्रिया का नाम बताओ ऑफलाइन पेपर होगा तो आप लोगों का मुझे लगता है लाभ ज्यादा है पढ़ने वालों का तुक्का मारने वालों का नुकसान है ऑफलाइन पेपर में थोड़ा सा समझ बढ़ाओ भाई ऑफलाइन पेपर में आपको जो प्रश्न रहेगा और अभ्यास करना शुरू कर दो आपको जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर प्रिंट निकालो और अभ्यास करना शुरू कर दो पठन की प्रक्रिया में इस प्रक्रिया का नाम क्या है पाठक निर्णय कर्तुम तदनु स्वमति दात स्वमतिम दातुम मुख्य प्रकरणानि गृहणाती पाठक को निर्णय करना है कुछ उससे फिर अपनी बात करनी है तो मुख्य मुख्य प्रकरणों को ग्रहण कर लेता है वो क्या कहलाता है ये स्कैनिंग है स्कीमिंग है समराइजिंग है बहिर्वेशन है क्या है स्कैनिंग क्यों होगा ये यहां से आप लोगों को जब भी हम किसी मुख्य मुख्य प्रकरणों को ग्रहण करते हैं तो स्कैनिंग तो तब होता केवल पॉइंट्स ग्रहण किए हैं वहां से आप लोग सुनो भाई निबंध मान लिया कोई आप लोगों को लिखा हुआ है तो पेपर में जाते टाइम आप लोग उसको पूरा पढ़ते हो हेडिंग हेडिंग देख लेते हो चलो मुझे आंसर करो आप लोग आपसे ही आंसर निकलवाऊंगा मैं आप लोग जो हैं, वो पेपर में कोई मान लिया कोई एक चैप्टर है उस चैप्टर में से आप लोग हेडिंग हेडिंग जब देखते हो मुख्य प्रकरणों को ग्रहण करते हो तो इसे समराइजिंग कहते हैं वहां से मुख्य मुख्य बात निकाल करके सार, -सार ग्रहण कर लेते हो नोट्स बनाना जो है वो समराइज करना होता है आप लोग अपने नोट्स बनाते हो तो सब कुछ नहीं लिखते हो उसमें मुख्य पॉइंट्स लिखते हैं यहां ये नहीं कहा गया कि एक पाठक जो है वो देखो बात सुनो क्या है स्टेटमेंट क्या है स्टेटमेंट को पढ़े बिना तो गलती करोगे स्टेटमेंट पे केवल इतनी बात लिखी हुई है कि पाठक को कोई निर्णय करना है और उस पर फिर अपना जो है निर्णय करने के बाद उस पर अपनी बुद्धि से अपना एक आंसर करना है तो उसने पॉइंट्स में मुख्य मुख्य पॉइंट निकाल लिए तो उसने समराइज कर लिया उसको समरी समरी देख लिया है ना आप लोग जो हैं पूरी कविता को पढ़ते हैं पहले हालांकि बिना बिना स्कैनिंग के ये होगा नहीं लेकिन यहाँ स्कैनिंग स्टेटमेंट में स्कैनिंग का जिक्र नहीं है आप लोग जो हैं कोई भी पोएट्री पढ़ते हैं पोएट्री सबने पढ़ी है बताओ आप लोग पहले ये ही बताओ मुझे समरी कितने लोगों ने जो है वो बनाई है हम कोई भी पोएट्री पढ़ते थे 9th में 10th में 11th इल, में 12th में तो उसको जो है वो समरी बनाते थे तो समराइज करने में यही तो करते थे कि उसमें जो लेखक है उसने जो भी मुख्य बात कही है उसका समराइज कर लिया उसको हमने संक्षेप कर लिया ये मतलब हुआ इसका तेरहवा प्रश्न तो सबको आता है है ना तेरहवा प्रश्न तो एकदम ऐसे आंसर करोगे आप लोग सबको आता है डेली क्लास में आया करो दस बजे सबको पता है भाषा एक सामाजिक अवधारणा है इस कथन में निहित विचार क्या है? ये बहुत आसान प्रश्न है दस सेकंड में आंसर करना है भाषा एक सामाजिक जो स्टेटमेंट में लिखा है उसी को पढ़ के आंसर करना है चाहे वो गलत है चाहे वो सही है जो पूछा है पूछा है कि भाषा एक सामाजिक अवधारणा है तो सामाजिक संपर्क से अधिग्रहित होती है भाषा ए ऑप्शन हो जाएगा एक्वायर्ड है सामाजिक संपर्क से भाषा सीखते हैं इस स्टेटमेंट से यही बात निकलती है आगे बढ़ जाओ एक उत्तम अनुच्छेद में प्रारूप में पैराग्राफ पैराफ्रेज में या संपादन में सारे वाक्य मुख्यार्थम कार्यम संगतिया मतलब इनमें से ये पूछ रहा है कि सारे वाक्य जो है किसी विशेष बात को कहने के लिए संगति से काम करते हैं मतलब एक वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ा रहता है पैराग्राफ की बात हो रही है पैराग्राफ का मतलब ही यही है कि आप लोग जो है गाय पर निबंध लिख रहे हैं तो उस निबंध का पैराग्राफ जो है हर पैराग्राफ की हर उस पैराग्राफ की हर एक लाइन आपके विशेष विषय विशे, विषय उस 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 को कह रही होगी ठीक है चलो अगला प्रश्न बताओ मुझे आप लोग पैराग्राफ में सारे के सारे वाक्य पैराग्राफ में और अलग अलग वाक्यों में क्या अंतर है अगर वाक्य एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है फिर वो पैराग्राफ नहीं बनता है तो सारे पैराग्राफ अगर संगति से काम कर रहे हैं तो फिर ये आप लोगों का वो उत्तम पैराग्राफ कहलाएगा सोलह प्रश्न बताओ भाषा शिक्षण संदर्भ में किम कथनम सत्यमस्ति क्या सही है बताओ आप लोगों ने आंसर किया है ज्यादातर लोगों ने बी सही बात है भाषा शिक्षण जो है वो मुद्रण बहुल वातावरण में बढ़ता है प्रिंट रिच इन्वायरमेंट होगा क्लास में दीवारों पर जो है बहुत सारी चीजें चिपकी हुई होंगी तो भाषा शिक्षण बढ़िया होगा इसमें है ना चलो ये ऑप्शन बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है प्रश्न बताओ मुझे कथा क्यों सुनाते हैं आप लोग बच्चे को क्या जरूरत है कथा सुनाने की नैतिक शिक्षा बढ़ानी है श्रवण योग्यता बढ़ानी है बच्चे को लेखन योग्यता का विकास करना है या अवकाश समय पे बच्चों को जो है छुट्टियों में बिना बात परेशान करना है कथा सुना के लिखने की बात नहीं हो रही है हम लोग बच्चे की श्रवण योग्यता बढ़ाना चाहते हैं किसके विचार में मनुष्य जो है वो भाषा अधिग्रहण यंत्रों के साथ जन्म लेते हैं सबको आता है दस सेकंड बारह दस पे बताना था ये तो चॉम्सकी का नाम है उन्नीसवा प्रश्न बताओ स्पीड में आंसर करो थोड़े से अब हल्के हल्के प्रश्नों पर समय नहीं लगाएंगे वाइगोट्स के जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के साथ कौन सी शब्दावली मैच नहीं करती है सोशल इंट्रैक्शन वाई कहते हैं बच्चा सामाजिक संपर्क से सीखता है तो वाइगोट्स की बात है स्काफ होल्डिंग जो है बच्चे को उसके माँ बाप उसका होमवर्क करा दे घर में बड़ा भाई बहन जो है वो होमवर्क करा दे स्काफ होल्डिंग कहलाता है वाई कहते हैं ये बात वो कहते हैं जोन ऑफ प्रोक्सीमल डेवलपमेंट बच्चा अपने आसपास के वातावरण से सीखता है अधिग्रहण यंत्र जो है ये चोम्स्की का है तो डी ऑप्शन हो जाएगा यही पूछा था कि कौन सी बात जो है से में नहीं मिलती है सी आंसर किया क्यों आप लोगों ने मेरी समझ से परे है ये बात अब ये लेवल के प्रश्न भी गलत कर रहे हो तो आप लोग जो है वो कतई आपको जो है पढ़ने की आदत नहीं रही है मतलब प्रश्नों को पढ़ के अब चोम्सकी वाले प्रश्न भी मतलब आप लोग जो है की पर चोम्सकी पर प्रश्न गलत करोगे फिर मैं क्या कहूँ आप लोगों को बताओ पढ़ के आंसर करोगे तो लाभ होगा और बिना पढ़े करोगे तो भारत माता की जय ट्रांस लैंग्वेजिंग का क्या मतलब है एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलना ट्रांस लैंग्वेजिंग जो है एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलना आप लोग ने लिखा राम जाता है फिर लिखा राम गे ट्रांस लैंग्वेजिंग हुआ लैंग्वेजिंग हुआ यह राम गोज ये ट्रांस लैंग्वेजिंग हुआ एक लिपि विहाय बहु लिपि प्रति अवधान परिवर्तन एक लिपि को छोड़ के बहुत सारी लिपि का प्रयोग करना इसे उर्दू में लिख दू तो नहीं भाई तो लैंग्वेज ट्रांसफर करनी है लैंग्वेज बदलनी है लिपि बदलने की बात नहीं हुई है ये दोनों एक ही लिपि है तो ये ट्रांस लैंग्वेजिंग तो हो ही गया दो भाषा तंत्रों का बहुत सारी तंत्रों के आ, कि भाषा जो है वो दो तंत्रों की या बहुत सारे तंत्रों की व्यवस्था है ये बात अपनी जगह ठीक है कि भाषा में बहुत सारा सिस्टम होता है लेकिन ट्रांस लैंग्वेजिंग नहीं है ये है ना ट्रांस लैंग्वेजिंग का मतलब पूछा है भाषा अधिगम भाषा शिक्षा यह केंद्र स्थापयती भाषा शिक्षा के केंद्र में हम भाषा के अधिगम को लेकर के आते हैं ट्रांस लैंग्वेजिंग की बात हुई कहाँ है कहीं भी नहीं हुई भाषा अधिगम अवबोधन से एक भाषी प्रतिमानम न स्वीकारोती ट्रांसलैंग्वेजिंग में कह रहे हैं कि भाषा अधिगम और का जो अवबोध है बच्चे को भाषा की जो समझ है जब भी हम ट्रांस लैंग्वेजिंग की बात करेंगे तो उसमें हम एक भाषा की नहीं दो भाषाओं की बात करेंगे भाई आप लोगों को लैंग्वेज ट्रांसफर करनी है एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना है तो एक भाषा में काम चल जाएगा या दो चाहिए एक भाषी प्रतिमान नहीं चाहिए दो भाषाएं चाहिए लैंग्वेज भाई एक बात बताओ आप लोग जो है भाई दो भाषाओं को आपस में बदलना है तो दो भाषाएं ही तो चाहिए होंगी एक भाषा से कहां काम चल जाएगा आप लोग या तो प्रश्न समझ में नहीं आया या समझना नहीं चाहा। आ जाओ हुँ 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 हुँ। जब थक जाओगे बता देना अप्रत्याशित काल्पनिक विचाराणाम हतोत्साह क्या पूछा है भाषा कक्षायाम किम सृजनशीलता व्यवधानम नास्ति बच्चे की सृजनशीलता में क्रिएटिविटी में व्यवधान क्या नहीं है मतलब ये है कि कुछ चीजें व्यवधान है और एक ऐसी चीज है जो व्यवधान नहीं है तो व्यवधान ढूंढ लो या व्यवधान नहीं है वो अपने आप पता लग जाएगा बच्चे की अप्रत्याशित काल्पनिक विचाराणम हतोत्साह बच्चे की कुछ काल्पनिक विचार है उसे वही हतोत्साहित कर दो दबा दो तो बच्चे की क्रिएटिविटी कभी भी नहीं बढ़ेगी तो ये उसकी सृजनशीलता में व्यवधान है व्यवधान है छात्र ही आज्ञाकारी भविम अपेक्षा करणम बच्चे को आप क्लास में जाकर के अगर ये अपेक्षा करोगे कि कोई बच्चा कुछ ना बोले बस जैसा मैं कहूं वैसा ही करे अगर बच्चे को यह कह दो कि जैसा मैं कहूं वैसा ही करना है अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाना है कभी बच्चा क्रिएटिव हो नहीं पाएगा तो ये भी व्यवधान है क्रिएटिविटी में प्राप्तांकों के प्रति बल प्रदान बच्चे को, को खूब नंबर लेकर के आने हैं ये हमेशा ध्यान रखना जो बच्चा क्लास में पिछली बेंच पर बैठता हो और पढ़ने से ज्यादा क्रिएटिविटी पर दिमाग लगाता हो है ना बहुत सारी मूवीज आप लोगों ने देखी होंगी ऐसा व्यक्ति समाज में व्यावहारिक रूप से अधिक वृद्धि करता है ठीक है और जो व्यक्ति जो है वो एक पिक्चर देखी होगी आप लोगों ने थ्री इडियट्स सबने देखी है सबने देखी होगी थ्री इडियट्स तो उसमें जो चतुर है वो किताबी कीड़ा है खूब नंबर ज्यादा लेकर के आता था और वो जो आमिर खान है उसमें क्या है वो उसका तो नाम भी भूल गया मैं और वो जो आमिर आमिर खान है वो बहुत क्रिएटिव है तो बच्चे को अंकों के प्रति अगर खूब ध्यान देने को कहोगे तो बच्चे की क्रिएटिविटी में व्यवधान होगा प्रश्न प्रति उत्साह वर्धनम बच्चों को जितने भी मन में प्रश्न है अगर वो पूछने का अवसर दे दोगे तो बच्चा खूब क्रिएटिव होगा बच्चा जो है आप लोगों ने अगर सूर्य पढ़ाना शुरू किया सौरमंडल पढ़ाना शुरू किया बच्चा जो है वो आपके आपसे प्रश्न करे सूर्य पर तो आदमी भी रहते होंगे जी या रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं सूर्य जो है वो हमसे कितनी दूर है जितने मन में प्रश्न है उतने अगर आप लोगों को जो है वो हाँ नेगेटिव पूछा है क्या व्यवधान नहीं है ये व्यवधान नहीं है ये सहायक है ये तीन तो व्यवधान है ये व्यवधान नहीं है बच्चे की सृजनशीलता में क्रिएटिविटी में ये व्यवधान नहीं है ये तो क्रिएटिविटी को बढ़ाता है ठीक है बोलो सर अब रहने दीजिए प्लीज अब क्या हो गया सी का टाइम हो गया है कोई नहीं इसको बस करते हैं थोड़ी देर में व्याकरण पाठ संबद्ध नास्ति क्या ऐसा है जो व्याकरण पाठ शिक्षण से संबद्ध नहीं है व्याकरण पाठ शिक्षण कालावधि क्रिय मध्य अन्वय टेंस और वर्ब के बीच में अन्वय संबंध सही बात है भाई अगर जो है हम बच्चे को ये नहीं सिखाएंगे कि प्रेजेंट टेंस में क्रिया कैसे करनी है तो व्याकरण पाठ शिक्षण से संबद्ध है क्रियाया कर्तृ संबंधी अभिज्ञानम क्रिया का और कर्ता का संबंध समझाना बच्चे को व्याकरण से है अगर आप बच्चे को ये बताओगे कि भाई राम जाता है और रमा जाती है ये नहीं बताओगे तो कैसे काम चलेगा तो संबंध भी सिखाना पड़ेगा अवधि कब वाक्य बना रहे हो आप है ना कौन से, से टेंस का तो अवधि की भी आवश्यकता है वैषम्य मूलक युग्म आप लोग जो है वो वो लिखते हो ना आमने सामने जोड़े मिलाना जोड़े मिलाने को ग, ग, इसका व्याकरण से संबंध नहीं है इनका तीनों का व्याकरण से संबंध है ऐसे प्रश्न पूछे हुए हैं स्टीफन क्रेशन से प्रश्न है आसान है कर दोगे आप लोग आंसर व्याकरण के मैराथन ले लो अगले संडे को आप लोग ना एक चीज समझो अगर डेली दस बजे क्लास में जुड़ते हो तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है मैं आपको समझाता हूँ पेपर कैसे समझना है है ना आपको ठीक है व्याकरण तो व्याकरण की ऐसा आवश्यकता लगेगी कर लेंगे पर पेपर को करना कैसे डेली एक पेपर करो आप लोग अगर आप अभी से बस मैं कुछ भी नहीं कराऊंगा मेरा मन तो सिर्फ ये है आपको प्रीवियस ईयर पेपर में सारे करा दू बस अभी आपको अगस्त तक का टाइम है तो जून चल रहा है जुलाई और अगस्त दो महीने मतलब साठ दिन में आपको साठ पेपर हो गए तो क्या नहीं कर दोगे आप लोग बताओ कुछ भी कैसा भी पेपर आ जाए एकदम तीस में से तीस ही आएंगे उनतीस में नहीं आएंगे दस बजे क्लास में जुड़ा करो आप लोग जो है भाई स्टीफन क्रेशन से कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट की बात होती है आपने सबने आंसर ठीक किया है लो ये बताओ मुझे पठने प्रामुख्य किम आयंती पढ़ पढ़ने में जो है वो क्या आता है मुख्य रूप से 2023 के पेपर कहाँ नहीं खुल रहे एक बार देख चलो ये आंसर करो पहले आप लोग मुझे आप लोग कह रहे हो बी और कुछ लोग कह रहे ए पढ़ने में क्या करते हो आप लोग? जब भी कोई पाठ पढ़ना शुरू करते हो आप लोग तो परिकल्पना बनाना पूर्वानुमान पाठक के अनुमानों का निश्चय करना परिकल्पना निर्माण अज्ञात शब्दाना अनुमानम तेषा उच्चारण ए ऑप्शन ठीक है है ना परिकल्पना निर्माण करना पढ़ने में जो है जो भी आप लोग पढ़ा रहे हो आप लोगों ने वो पाठ योजना बनाई है पाठ योजना में परिकल्पना निर्माण करते हो पूर्वानुमान का प्रयोग करते हो फिर पाठक जो कह रहा है उसके उसमें अनुमान से निश्चय करना पच्चीसवा प्रश्न में आप लोगों को पहले एक काम करता हूँ सीटेट की वेबसाइट दिखाता हूँ खोल के कहा आप लोगों को पेपर में ढूंढने हैं नहीं खुल रहे क्या मैंने कल चेक किया था खुल कल नहीं खुल रहे थे वेबसाइट रही ये वाली एक पेपर रोज लगाओ आपको और मुझे नहीं लगता ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है सीटेट में क्वेश्चन पेपर दो हजार अट्ठाईस दिसंबर वाला पेपर जो है अगर हम इसको खुलने को कह रहे हैं तो ये हाँ, खुल नहीं रहे हैं वही पेपर यहाँ से और पुराने वाले ये वाले 2021 वाले देखते हैं एक बार उनको ऑफलाइन क्वेश्चन करा दीजिए ऑफलाइन के क्वेश्चन कोई अलग थोड़ी बनते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन ऑफलाइन का मतलब ये होता है कि आप लोग जो है पेपर का मोड ऑफलाइन है नहीं भाई खुल नहीं रहे हैं कुछ नहीं खुल रहा है यहाँ से सीबीएससी की वेबसाइट बेकार है बताओ भाई पठने प्रामुख्यण की है तो हमारा प्रश्न हो गया है नहीं खुल रहे प्रश्न आपको यहाँ से यथाशक्ति यह मसना भी अड्डा की वेबसाइट पर पड़े हुए जाके देख लेना Someone डन हिज his B.Ed देन आफ्टर दैट PG is इज हाँ बिल्कुल बी एड आपने पहले कर लिया और फिर पी जी कर रहे हो तो बिल्कुल एलिजिबल हो भाई ऑफलाइन में कुछ दुनिया से अलग नहीं आता है आंसर करो भाई आप लोग में प्रश्न का यथाशक्ति शुद्ध पाठ से प्रयोग करनी है हमें जहां तक संभव हो शुद्ध पाठ का प्रयोग करना चाहिए इनमें से एक शुद्ध पाठ का प्रयोग कारण शून्य गण्य बताओ शुद्ध पाठ का प्रयोग करने में कारण नहीं है शुद्ध पाठा छात्रा समक्षम यथार्थ कालिक पाठान उपस्थापय ठीक थी। बात है अगर हम शुद्ध पाठ करेंगे तो छात्रों के सामने जो है वो यथार्थ कालिक पाठ उपस्थापित करेगा जैसा लिखा हुआ है वैसा पढ़ेंगे तो बच्चों के सामने एकदम उन्हें समझ में आएगा प्रकृत्याम संप्रेषणात्मक भवंती प्रकृति में शुद्ध पाठ जो है संप्रेषणात्मक होते हैं अगर मैं शुद्ध बोलूंगा और आप लोग शुद्ध सुनोगे तो मेरी बात आप तक पहुंचेगी तो संप्रेषणात्मक भी होगा भाषा यह संस्कृति में अवधारियंति भाषा की संस्कृति को धारण करते हैं है ना भाई भाषा की संस्कृति यही तो है ना कि जैसा लिखा वैसा पढ़ो एतेश चित्राणी सन्निविष्टानी बहुत रुचिकर आवंती ये ऑप्शन तो गलत ही है इनमें चित्र सन्निवेश करके बहुत अधिक रुचिकर नहीं होता है मतलब ऑप्शन ही कुछ उल्टा सीधा सा लिख दिया है तो शुद्ध पाठ का प्रयोग करना चाहिए इनमें से तीन ऑप्शन तो है इसके पक्ष में एक विपक्ष में वो ढूंढना था विपक्ष में है ये वाला होमवर्क के लिए दे रहा हूँ कल मिलेंगे आप लोगों को मैराथन कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना और भाई कब जुड़ोगे मुझे बताओ सीटेट की डेली क्लास में कब जुड़ोगे बताओ डेली क्लास का टाइम बताओ और आप लोगों के लिए फिर और अच्छा क्या कर सकते हैं कमेंट करके आप मुझे बताना आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलेंगे आप लोगों को कल तब तक के लिए नमस्ते वीडियो को लाइक वाइक करने की कोई ऐसी विशेष आवश्यकता है नहीं सब्सक्राइब करने की आवश्यकता है क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि क्लास कब होती है दस बजे जोड़ना नमस्ते